हाय गाइस, आज हम लोग एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है मिनी ब्लॉग। एक मिनी ब्लॉग बनाएंगे हम लोग, ज़्यादा कुछ फीचर नहीं है, बस ब्लॉग पोस्ट करना और उस पोस्ट किए हुए ब्लॉग को डेटाबेस से रिट्रीव करवाना, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं होम पेज में यानी कि यूज़र होगा जो कि ऑथर का काम करेगा, जो इस ब्लॉग को पोस्ट कर सकता है, ब्लॉग में पोस्ट कर सकता है और पोस्ट किए हुए ब्लॉग को एडिट कर सकता है यानी कि अपडेट कर सकता है अगर कोई मिस्टेक होती है, फिर ब्लॉग नया पोस्ट कर सकता है। इसके साथ ही एक एडमिन होगा जो कि ब्लॉग पोस्ट को एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ऑथर को डिलीट का ऑप्शन हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ एडमिन ही पोस्ट को डिलीट कर सकता है। इसके अलावा हमने यहाँ पेजेस बनाई हुई हैं, जैसे होम पेज है हमारा जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा रूट पेज होगा। ये पूरा डेटा डेटाबेस से आ रहा है, वहाँ से ये पॉपुलेट होकर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन अबाउट पेज है ये, जो कि एक सिंपल सा पेज है जहाँ हमने ऐसे ही टेक्स्ट लिख दिया है फ्रंट एंड से। कॉन्टैक्ट पेज है एक, जो कि बस हमने फॉर्म लिखा हुआ है बट ये काम नहीं करेगा, कॉन्टैक्ट मतलब ईमेल सेंड नहीं होगा। देन एक साइनअप का फॉर्म बनाया हमने, ये डिफ़ॉल्ट साइनअप का फॉर्म है जो हमें जेंगो के द्वारा मिलता है। देन लॉगिन फॉर्म है एक, ये भी डिफ़ॉल्ट जेंगो के द्वारा दिया गया लॉगिन फॉर्म है। और वापस से ये हमारा होम पेज, मैंने इसमें कुछ चीज़ें की हैं जैसे कि अभी आप देख सकते हैं साइनअप और लॉगिन लिखा हुआ, क्योंकि कोई भी यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। इसी वजह से एक यूज़र लॉगिन करते हैं हम लोग। मैंने एक यूज़र बनाया है सोना और इसका हम लोग पासवर्ड देंगे, मैंने लिखा है गिकीसोस। और लॉगिन में जैसे ही क्लिक करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइनअप है और लॉगिन है। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करते हैं आपको यहाँ दिखाई देता है लॉग्ड इन सक्सेसफुल्ली, डैशबोर्ड ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रोफाइल ये भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ ये डेटा दिखाई दे, यानी कि जो यूज़र लॉगिन किया उसका पूरा नाम, उसका यहाँ ऑथर जो उसका ग्रुप होगा यानी कि जो उसको अथॉरिटी मिली हो, उसका जो ब्रांच है वह आपको दिखाई देता है यानी कि किस सीट किस पोजीशन पर है वह। और यहाँ पर ऐड पोस्ट का बटन है और यहाँ पर जो भी डेटा आप देख रही है टेबल का डेटा मतलब डेटाबेस का डेटा है। लेकिन इसके साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको डैशबोर्ड और लॉगआउट अब देखने को मिलेगा। जब यूज़र लॉगिन नहीं रहता है तो उसको मिलता है साइनअप और लॉगिन, जब यूज़र लॉगिन हो जाता है तो उसको मिलेगा डैशबोर्ड और लॉगआउट। ये हमारा डैशबोर्ड है। यूज़र चूँकि ये एक ऑथर है इसीलिए ये इस पोस्ट को एडिट कर सकती है या फिर चाहे तो एक नया पोस्ट भी कर सकती है। ऐड पोस्ट में क्लिक करने के बाद एक नया पोस्ट ऐड किया जा सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर टेस्टिंग न्यू पोस्ट टाइटल ये मैंने लिखा और यहाँ पर हम लोग टेस्टिंग न्यू पोस्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया। ये लिखा हुआ होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट। मैंने ऐसा कलर क्यों रखा मैं आपको लास्ट टाइम बताता हूँ, पहले देख लीजिए प्रोजेक्ट। तो ये लिखा मैंने, इसको ऐड में क्लिक करना है आपका, ये कैंसिल में क्लिक करने से वापस चलाएंगे और आपने अभी जो ऐड किया वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके साथ वाले एडिट बटन में क्लिक करना है और आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिटिंग मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से लिख दिया और अपडेट में क्लिक करो तो ये हमारा एडिट हो जाता है। तो ये हो गया इस पैनल का, यानी कि एक ऑथर का अपना पैनल जिसमें ये नया पोस्ट ऐड कर सकता है, ऐड किए हुए पोस्ट को एडिट कर सकता है और सारा यहाँ पर डिटेल उसको दिखने को मिलता है, साथ में अपना प्रोफाइल भी देखने को मिलता है। तो बेहद ही सिंपल सा हमने इसका पैनल रखा हुआ है। ये डैशबोर्ड है ऑथर का। एक और डैशबोर्ड है जो कि है एडमिन का, यही डैशबोर्ड है बट वो एडमिन का, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फीचर है। अगर लॉगआउट करते हैं फिर से लॉगिन करें, देखिए फिर से लॉगआउट किया हमने तो ये साइनअप और लॉगिन में चला है, फिर से लॉगिन करते हैं, अब एडमिन से लॉगिन करते हैं तो एडमिन लिखा और यहाँ फिर से एडमिन लिखा और लॉगिन में क्लिक किया, देखिए लॉग्ड इन। अब फिर से डैशबोर्ड और लॉगआउट आ गया, प्रोफाइल ये एडमिन का नाम लिखा है फुल नेम और एडमिन का अपना जो पोजीशन है वह देखने को मिलता है। चूँकि ये एडमिन है तो ये भी पोस्ट ऐड कर सकता है यहाँ से और सारा डिटेल उसको देखने को मिलता है, एडिट कर सकता है और साथ में अब ये डिलीट भी कर सकता है। ये डिलीट का ऑप्शन ऑथर के पास नहीं था, वह सिर्फ ऐड और एडिट कर सकता है, लेकिन एडमिन इसको ऐड भी कर सकता है, पोस्ट एडिट भी कर सकता है और डिलीट बटन पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता है। तो ये एडमिन के पास एक एक्स्ट्रा फीचर है। और फिर से लॉगआउट करते हैं, अभी होम पेज में चला, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये सारा डेटा आपको डेटाबेस से देखने को मिल रहा है। अब कलर मैंने ऐसा क्यों रखा हुआ डार्क डार्क सा, मे भी कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, ये मैंने इसीलिए रखा हुआ है बिकॉज हमारा जो एडिटर है VS Code का वह भी डार्क है और ये भी डार्क है, तो आपकी आँखों को तकलीफ ना हो देखने में अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो, कि एक बार व्हाइट होता है फिर ब्लैक होता है, एक बार व्हाइट होता है फिर ब्लैक होता है, वैसे करने से आंखों में असर बढ़ने लगता है।
इसी वजह से मैंने कलर में ज़्यादा फोकस नहीं किया है, मैंने थोड़ी सी सुरक्षा आप लोगों की सोची कि दोनों को ब्लैक रख देते हैं, कलर आप चाहें जो भी रख सकते हैं। तो कलर पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने इसको सेफ्टी रीजन की वजह से ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क कलर इसमें यूज़ किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कोई इशू नहीं होगा, आप जो मर्जी वह कलर यहाँ पर दे सकते हैं, थोड़ा सा बस आपको सीसस में काम करना पड़ेगा। तो ये था इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट का। अभी अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्रोजेक्ट देखना चाहिए तो आप इसको आगे कंटिन्यू कीजिए, वरना आप इसी इसको यहीं पर एंड कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और इसको बनाना शुरू करेंगे। बस एक बार इंट्रोडक्शन देख लिया, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आपको ये सीखना चाहिए, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज। तो एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग, लिखा हमने जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट मिनी ब्लॉग, ये लिखकर आपको इंटर प्रेस करना है। इससे आपका एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट और इनर प्रोजेक्ट दोनों ही फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। अभी एक एप्लीकेशन बनाएंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर पहले चलते हैं मिनी ब्लॉग, और एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम रखेंगे हम लोग ब्लॉग। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने आइडिया के हिसाब से। और ये हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया, यानी कि एप्लीकेशन हमारा क्रिएट हो गया। सबसे पहला काम, इस एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि अपने सेटिंग्स प्रोफाइल फाइल में आना है और यहाँ पर आपको सिंपली इसको ब्लॉग लिखकर इंस्टॉल कर देना है। ये काम खत्म हो गया, सेटिंग्स प्रोफाइल क्लोज कर देते हैं। इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप, तो उन सभी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा ठीक से हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसके अंदर हमें टैम्पलेट्स यूज़ करना है। तो टैम्पलेट्स यूज़ करने के लिए न्यू फोल्डर और टैम्पलेट्स फोल्डर हमें बनाना पड़ेगा। टैम्पलेट्स फोल्डर हमने लिखा, फिर हमें ब्लॉग फोल्डर इसके अंदर बनाना है। ये हमारा बन गया। अभी ब्लॉग फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ मैं बेस डॉट एच टी एम एल। अभी मेरे ध्यान में जितना आ रहा है उतना मैं पेज क्रिएट कर लूँगा, फिर बाद में जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे से बनाएंगे। बेस के बाद होम डॉट एच टी एम एल, और नेविगेशन बार को सेपरेट करेंगे तो एक नव बार एच टी एम एल। इसके बाद एक अबाउट पेज था, अभी हमने देखा था प्रोजेक्ट में, तो अबाउट डॉट एच टी एम एल। एक कॉन्टेक्ट पेज था, तो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। और क्या था, एक हमने डैशबोर्ड देखा था, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। एक साइनअप पेज था, तो एक साइनअप डॉट एच टी एम एल। एक लॉगिन पेज था, तो एक हम लोग लॉगिन डॉट एच टी एम एल। इतना मेरे ध्यान में है मेरे प्लान के हिसाब से, तो मैंने इतना अभी फ़िलहाल के लिए टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर लिया। बाकी आवश्यकता पड़ेगी आगे तो और क्रिएट करते जाएंगे, फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल से इतना हमारा काफ़ी है। अगर हमने कोई एक्स्ट्रा क्रिएट कर लिया तो उसको हम डिलीट भी कर देंगे बाद में। तो टेम्पलेट फाइल हमारा तैयार है। अभी हमें यूज़ करना है सी एस एस जावास्क्रिप्ट, यानी कि बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए हमें स्टैटिक फोल्डर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ब्लॉग में राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर स्टैटिक, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपको लिखना है ब्लॉग। देन ब्लॉग फोल्डर के अंदर, यानी कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो ब्लॉग फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर में आपको एक फोल्डर बनाना है सी एस एस, और इस ब्लॉग फोल्डर के अंदर में एक और फोल्डर बनाना है जे एस, जिसमें जावास्क्रिप्ट का फाइल रखेंगे और सी एस वाले में सी एस एस का फाइल रखेंगे। इसमें चूंकि बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, तो चलिए बूटस्ट्रैप के सी एस एस और जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर पहले लेकर आते हैं। इसके लिए आपको बूटस्ट्रैप को पहले गूगल में सर्च करना है। बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल साइट में आपको जाना है, साथ में हमें जे क्वेरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो जे क्वेरी का भी आप सर्च कर लीजिए गूगल में। बूटस्ट्रैप को सर्च कर लिया, बूटस्ट्रैप को सर्च करने के बाद डाउनलोड में जाना है। यहाँ पर आपको कंपाइल्ड सी एस एस एंड जे एस का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको डाउनलोड में क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, सोर्स फाइल्स, एनी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट डिपेंडेंसी, यानी कि बूटस्ट्रैप की कोई भी ऑप्शनल डिपेंडेंसीज आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो, जिसमें कि जेक्वेरी नहीं मिलेगा और पॉपर डॉट जेएस नहीं मिलेगा, उसको हमें सेपरेटली करना पड़ेगा। तो डाउनलोड बटन में यहाँ पर क्लिक करना है और ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। आपको देखिए मेरा ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ पर डाउनलोड होकर पड़ा हुआ है। तो बूटस्ट्रैप तो हमने डाउनलोड कर लिया, इसका अब कोई काम नहीं है। हमें बूटस्ट्रैप हमारा हो गया। अभी ऑप्शनल जो थे, यानी कि जे क्वेरी और पॉपर डॉट जे एस, तो हमें ये ढूंढना है और ये निकालना है, ये भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ये इसमें आएंगे थोड़ी देर में। पहले जो हमने डाउनलोड किया है इसका थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ये जिप फाइल में है,
तो राइट क्लिक करना है और कोई भी अनजिप करने का कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कीजिए, विन रेयर हो या अनजिप हो, मतलब विनजिप हो या फिर 7-Zip हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करके आप पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये वाला हमारा फोल्डर है। अब इसको ओपन करना है और इसमें CSS में हमें बस एक फाइल चाहिए, इतना सारा फाइल हमें नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर देता हूँ। बस एक फाइल, ये वाला bootstrap.css यानी कि कैश कैड स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट, ये वाला हमें फाइल चाहिए। इसको कट करना है और जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट है, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है सी ड्राइव में जेंगो कॉर्ड के अंदर, यहाँ पर मिनी ब्लॉग, तो मिनी ब्लॉग के अंदर जाइए, ब्लॉग के अंदर जाइए, स्टैटिक फोल्डर, ब्लॉग और CSS, यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का हमने अपने प्रोजेक्ट में लिया है। फिर JS फोल्डर में जाइए, ये बूटस्ट्रैप का डाउनलोड किया हुआ फोल्डर है, JS में जाना है और यहाँ पर हमें बस ये bootstrap.js फाइल चाहिए। तो इसको आप कट कीजिए और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाकर यहाँ पर आपको जाना है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, मिनी ब्लॉग, ब्लॉग, स्टैटिक ब्लॉग और JS फोल्डर के अंदर यहाँ पर आकर आपको इसको पेस्ट कर देना है। बस ये दो चीज़ें आपको पेस्ट करनी है जो आपने डाउनलोड किया था उसमें से, और कुछ भी नहीं करना। इसको आप डिलीट कर दीजिए, इसका काम हमारा ख़त्म। अभी वापस से वेबसाइट में आते हैं। हमें दो चीज़ें चाहिए, jQuery और popper.js, जो कि हमें इससे डाउनलोड करने से नहीं मिला। ये दो चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए अगर हम bootstrap को सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग popper.js को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ नीचे कहीं CDN का लिंक मिलेगा आपको, यहाँ पर CDN का लिंक लिखा हुआ है, popper.min.js, ये देख पा रहे हैं ये वाला, तो हमें यही वाला चाहिए। इसको आपको क्या करना है, इसको बस कॉपी करना है और अपने यहाँ कहीं वेब पेज में आकर इसको पेस्ट कर देना है। ये आपको कोड मिल जाएगा इस तरीके से, आपको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट ऑल करना है, फिर कंट्रोल सी करके इस पूरे को कॉपी करना है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में जाइए, यानी कि यहाँ पर चूँकि ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है तो यहाँ आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल, popper.js, और यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है। popper.js हमारा हमारे प्रोजेक्ट में, bootstrap.js पहले से था, bootstrap.css पहले से था, यानी कि हमने अभी किया हुआ था, अभी हमने popper.js भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। इसी तरीके से हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है jQuery, तो इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए jQuery का लिंक भी यहाँ पर दिया है, बट यहाँ पर दिया है slim.min.js, jQuery slim, jQuery स्लिम वर्जन हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा पैकेज चाहिए बड़ा वाला, तो ये वाला हमें करने से काम नहीं चलेगा, तो ये आपको नहीं करना है, स्लिम आपको नहीं करना है। ओके, तो इस बूटस्ट्रैप वाले से अब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज। jQuery आपको jQuery.com ओपन करना है, यहाँ डाउनलोड jQuery में यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए स्लिम वर्जन यहाँ पर था जो कि हमने छोड़ दिया था वहाँ पर, तो ये आपको नहीं करना, आपको करना है ये वाला, इन दोनों में से कोई एक, या तो प्रोडक्शन jQuery कर लीजिए या फिर आप डेवलपमेंट jQuery कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस कोई भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस बस साइज़ का है, ये थोड़ा सा कम साइज़ का है, डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा साइज़ का रहता है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं डेवलपमेंट में हूँ तो मैं डेवलपमेंट वाला कर रहा हूँ, इसमें आपको क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यही कोड रहेगा बट डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा आप उसको डाउनलोड, अगर डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलता है तो डाउनलोड करना है और डाउनलोड के फाइल को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देना है। चूँकि हमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिला, हमें इस तरीके से हमारा फाइल ही ओपन हो गया है गूगल क्रोम में, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करना है, देन आपको अपने प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ पर JS फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बनाइए और यहाँ पर लिखिए jQuery.js, एंटर प्रेस करके आपको यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देना है और इसको सेव कर देना है, और ये हमारा तैयार। तो हमने bootstrap.css यहाँ पर रख लिया और हमने bootstrap.js भी, jQuery भी और popper.js भी, बस इतना हमें चाहिए था। अब हमें इसकी कह सकता नहीं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में bootstrap का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टेम्पलेट में आते हैं, टेम्पलेट बनाते हैं, बेस टेम्पलेट जो हमें हमारे प्रोजेक्ट का स्केलेटन तैयार करके देगा। तो सिंपल सा है, HTML का कोड, इतना सारा कोड हम लोग ले आए, हमें bootstrap यूज़ करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो जो कोड पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन होता है उसे हम लोग base.html में डाल देते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ आना है, लिंक टैग यूज़ करते हुए और href, हम लोग स्टैटिक फाइल जो कि यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैटिक फाइल यूज़ करने से पहले आप स्टैटिक फाइल को लोड कर लेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं परसेंट
लोड स्टैटिक। उसके बाद एचरेफ में पहले हम लोग बूटस्ट्रैप को लिंक करते हैं, जिसके लिए आपको लिखना है %% और यहाँ पर लिखना है स्टैटिक। स्टैटिक लिखने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है उसका पाथ, यानी कि देखिए जब कोई भी स्टैटिक फाइल इंक्लूड करेंगे तो ब्लॉग स्टैटिक तक तो ये आएगा, लेकिन स्टैटिक के बाद जो पाथ बनेगा वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। स्टैटिक के बाद क्या पाथ बनता है? ब्लॉग, लिखना है ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर CSS फोल्डर, और CSS फोल्डर के अंदर है हमारा bootstrap.css। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करिए एक बार, और हमारा जो style.css है यानी कि अपना जो फाइल होगा जो हम लोगों ने अभी क्रिएट नहीं किया, क्रिएट कर रहे हैं style.css, इसको हम लोग लिंक करेंगे यहाँ पर। तो बस bootstrap की जगह पर आपको लिख देना है नीचे वाले में style.css। ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर में होना चाहिए, पहले bootstrap लिखना है उसके बाद आपको style.css लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है उसी सेम ऑर्डर में। उसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर इंक्लूड करने का आवश्यकता है, तो क्लोजिंग बॉडी टैग के ठीक ऊपर में लिखना है स्क्रिप्ट टैग, और src में आपको लिखना है %% स्टैटिक, और यहाँ पर आपको लिख देना है जावास्क्रिप्ट का जो भी फाइल है जहाँ पर है, जैसे कि ये है हमारा ब्लॉग के अंदर JS फोल्डर के अंदर पहला हमारा होगा jQuery, तो आपको jQuery लिखना है सेम ऑर्डर में jQuery.js। उसके बाद इसी तरीके से हमें popper.js और bootstrap.js के लिए लिखना है, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया। इसके बाद हमारा popper.js और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा bootstrap.js, तो तीनों ही हमने इंक्लूड कर लिया, तीनों ही हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसी तरीके से हमने bootstrap.css के लिए भी यहाँ पर लिंक कर दिया हुआ है। इतने से हमारा bootstrap में काम करने के लिए ये पूरा तैयार हो जाता है, और हमें इसमें कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें हमें पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन थी, तो हमने base.html में लिख दिया हुआ है। अब हम लोग ब्लॉक्स तैयार कर लेते हैं, या फिर जो चीज़ें कॉमन होगी उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग एक div बनाते हैं, और इस div का क्लास देंगे हम लोग कंटेनर फ्लूइड। ये हमने एक div बना लिया, इसका हम लोग बैक, चूँकि डार्क डार्क है सब कुछ, हमने अभी देखा था कि सब कुछ डार्क था हमारा, तो इसको बीजी डार्क कर देता हूँ ताकि हमारा पूरा बैकग्राउंड डार्क हो जाए जो भी इसमें रहेगा। ओके, उसके बाद हमें नेविगेशन बार बनाना है, तो नेविगेशन बार बनाने के लिए हमने नेविगेशन navbar.html ये क्रिएट किया, यहाँ पर हम लोग अपना नेविगेशन बार बनाएंगे, तो उसको हम लोग बना लेंगे, लेकिन उसको बनाकर हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि नेविगेशन बार भी हमें हर एक पेज के लिए चाहिए, तो वह यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे हम लोग। इसको हमने बस सेपरेट किया हुआ है एक अलग पेज में, और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, ये कहाँ है, ब्लॉग के अंदर navbar.html इस की मैं बात कर रहा हूँ, टेम्पलेट के अंदर है ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर में है navbar.html, तो ये हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अभी यहाँ पर जो कोड लिखेंगे वह सारा उठ कर यहाँ पर चला आएगा, तो ये एक हमने अच्छा काम कर लिया हुआ। इसके अलावा अब हमारा मेन जो ब्लॉग बनेगा हर एक पेज के लिए वह बना लेते हैं। तो ये सब कुछ प्लान करना पड़ता है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तब, कि कहाँ पर क्या रहेगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एक और डिव कंटेनर क्लास के साथ ये हमने बना लिया, इसके अंदर हम लोग एक बनाएंगे डिव जिसमें रॉ रहेगा, और इसके अंदर हम लोग एक बनाएंगे डिव और जिसमें हम लोग कॉल SM12 इसको दे देंगे, और इसके अंदर में हमारा एक ब्लॉक बनेगा, तो ये ब्लॉक हमारा मैसेज का ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक MSG मैसेज लिखा मैंने, और इसमें जो भी मैसेज आएंगे, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि आपको देखने को मिल रहा था कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली, तो उस तरह का जो मैसेज रहेगा वह उसके लिए हमने ये ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। ओके, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी कंटेनर के अंदर में एक और रॉ बनाते हैं, div.raw, और इस रॉ के अंदर में हम लोग बनाएंगे दो ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक बनाएंगे हम लोग ब्लॉक, ये साइड हमारा रहेगा जिसमें यूज़र का प्रोफाइल आप देख रहे थे वह रहेगा। ध्यान रहे कि इसमें हमने कॉलम नहीं बनाया, कॉलम हम लोग उसी पेज में जाकर बनाएंगे जहाँ पर हमें यूज़ करना, इसको इनहेरिट करना। देन इसी तरीके से एक और हम लोग बनाएंगे साइड, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं,
और बस नाम चेंज कर देंगे, इसमें हमारा मेन कंटेंट एरिया रहेगा, तो मेन कंटेंट मैं सिर्फ कंटेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ये कंटेंट हो जाएगा। ओके जी, अब जो भी इसको इनहेरिट करेगा इस बेस को, जैसे होम इनहेरिट करेगा, तो उसके पास क्या क्या जाएगा, उसके पास जाएगा ये नेविगेशन बार, ये रॉ चला जाएगा, और ये दो रॉ, ये रॉ भी चला जाएगा, ये ब्लॉक्स भी चले जाएंगे, और ये सारा कोड चला जाएगा जब इसको इनहेरिट करेगा। तो एक बेसिक सा तरीका जो हमारा स्केलेटन है वो मैंने तैयार कर लिया हुआ है। अभी अगर कुछ और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसको चेंज करेंगे यहाँ पर आकर, मगर एक ओवरऑल आइडिया के लिए इतना लिखना हमारे लिए काफ़ी। कभी कभी आप इतना लिख नहीं पाएंगे, तो जितना भी आप लिख पाते हैं, जितना सोच पाते हैं, बस उतना लिखना है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपने आप आइडिया मिलता जाएगा। ये तो मैंने पहले से सोच कर रखा, इसलिए मैं इतना कोड लिख पाया, वरना इतना मैं लिख नहीं पाता। तो अभी चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक नेविगेशन बार बनाएंगे। नेविगेशन बार बनाने से पहले कुछ दिखे हमें, उसके लिए होम बना लेते हैं। तो होम डॉट एच टी एम एल हमारे यहाँ पर था ये वाला, हमें क्या करना है, हमें एक्सटेंड करना है, क्योंकि हमारा स्केलेटन तैयार है बेस डॉट एच टी एम एल, तो हमें उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंट परसेंट, और यहाँ पर आपको लिखना है एक्सटेंड्स, और किसको एक्सटेंड कर रहे हैं आप, हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं ब्लॉक के अंदर जो है बेस डॉट एच टी एम एल, उसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया, यानी कि वो सारा कोड हमारे पास यहाँ एक्सेस होकर हमें मिल जाता है, हम लोग इसको ओवरराइड कर सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग स्टैटिक यूज़ करें अपने इस टेम्पलेट में, इसलिए मैं पहले से इसको लोड कर देता हूँ, यानी कि लोड स्टैटिक, नहीं यूज़ करना आप इसको हटा सकते हैं। इसमें हमारा क्या रहेगा, देखिए ये सारा कोड हमें एक्सेस मिल रहा है यहाँ पर एक्सटेंड करने की वजह से। अब आप इसमें से किसी भी ब्लॉक को ओवरराइड कर सकते हैं यहाँ पर, हमने टेम्पलेट इनहेरिटेंस में पढ़ा हुआ। तो मुझे किस चीज़ कह सकता है, मुझे आ सकता है एक ये कोड, ये तो अपने आप चलाएगा, इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ करने का सकता नहीं है। यहाँ पर इस रॉ में ये मैसेज ब्लॉक, ये एक ब्लॉक बना हुआ है, इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं, बट होम पेज में हमें कोई भी मैसेज नहीं चाहिए, तो इसको छोड़ देते हैं, ये ब्लैंक रह जाएगा हमारे होम पेज में। ये जो रॉ बना हुआ है इसमें दो ब्लॉक बने हुए हैं, पहला साइड ब्लॉक है और दूसरा कंटेंट ब्लॉक है। साइड ब्लॉक हमें नहीं चाहिए होम पेज में, हमें सिर्फ चाहिए कंटेंट ब्लॉक, तो हमें इसको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है। ओके जी, तो चलिए इसको बनाते हैं अपना मेन कंटेंट। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने रॉ बनाया है, हमने कहीं कॉलम नहीं डिफाइन किया, तो कॉलम हम लोग अपना यहाँ डिफाइन करेंगे। क्यों ऐसा मैंने सोचा, यहाँ मैंने कॉलम क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हो सकता है अपने अपने पेज का अलग अलग कॉलम नंबर का नीड हो, इसलिए कॉलम हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया। यहाँ डिफाइन कर देने से क्या होगा, सभी के लिए सेम कॉमन कॉलम नेम हो जाएगा, कॉलम नंबर हो जाएगा। हो सकता है कि मुझे होम डॉट एच टी एम एल में 10 कॉलम का एक चाहिए, एक दो कॉलम का चाहिए, लेकिन हो सकता है अबाउट में मुझे पाँच कॉलम का एक चाहिए, फिर बाकी पाँच कॉलम का एक और चाहिए, फिर एक दो कॉलम का चाहिए। तो उस तरह का प्रॉब्लम हमारा ना हो, मतलब हम लोग उस चीज़ को अचीव कर पाएँ कि हाँ मैं जितना कॉलम चाहिए इस पेज स्पेसिफिक उतना हम लोग ले पाएँ, इसीलिए मैंने उस कॉलम को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, यानी कि कॉलम नंबर को यहाँ डिफाइन नहीं किया, बल्कि मैंने सिंपली ब्लॉक बना दिया। अब इस ब्लॉक को आप इनहेरिट कर लो, यहाँ ओवरराइड करो, फिर आपको होम के लिए जितना कॉलम चाहिए उतना आप कॉलम बना लो, क्योंकि रॉ बना हुआ है, रॉ के अंदर आपको बस कॉलम बनाना है। तो चलिए एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पर डिव, तो इसमें कॉलम हम लोगों को आ सकता है होम पेज में 10 कॉलम की, तो मैंने ये 10 कॉलम वाला यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इसमें सिंपली H3 बनाएंगे और H3 में हम लोग लिख देंगे होम पेज, ये होम पेज है इसका, चूँकि कलर हमें चेंज कर देना है क्योंकि डार्क है हमारा सब कुछ, तो टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं ताकि डार्क में वाइट टेक्स्ट दिखेगा, बाहर उभर कर आएगा, और बस इतना रखते हैं। होम पेज रखा मैंने, बस अभी के लिए इतना ही रख देता हूँ और इसको करता हूँ सेव, ताकि कुछ तो हमें दिखाई दे, बट ये ऐसे ही नहीं दिखाई देगा, इसको हमें रेंडर करवाना पड़ेगा और इसके लिए हमें व्यू फंक्शन भी लिखना पड़ेगा, फिर हमें URL भी बनाना पड़ेगा, तो ये सारे काम हमें करने का सकता है। अभी देखिए टेक्स्ट वाइट, ये हमारा बूटस्ट्रैप का क्लास है, कॉल डैश SM डैश 10, ये हमारे बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो बूटस्ट्रैप का क्लास का मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी हमें व्यू में आना है ताकि ये होम डॉट एच टी एम एल हमारा रेंडर हो सके, तो व्यू डॉट पी वाई फाइल में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक हम लोग बनाएंगे होम का व्यू, तो होम व्यू या फिर सिर्फ होम लिखिए, बहुत ही ईजी सा है, लिखना है होम DEF होम, और यहाँ पर ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग बस लिख देंगे रिटर्न
रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा देकर आपको लिख देना है किस टेम्पलेट को करना है। ब्लॉग के अंदर जो है हमारा होम डॉट HTML इसको रेंडर करवाना है, बस इतना ही लिखना है। सेव कीजिए। देखिए होम जब भी ये हमारा कॉल होगा व्यू फंक्शन तो ये रेंडर करेगा ब्लॉग डॉट सॉरी ब्लॉग के अंदर जो होम डॉट HTML है अभी जो हमने कोड लिखा हुआ था ये वाला इसको रेंडर करेगा। बट इसको रेंडर करवाने के लिए पहले URL हमें बनाना पड़ेगा। हमें जाना है urls.py फाइल में, यानी कि यहाँ पर आना है और ये हमें रूट में रखना है होम पेज। तो सिंपली हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे होम, नहीं होम नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग रूट में रखेंगे तो ये खाली रहेगा और ये हमारा हो जाएगा। इसके अंदर है व्यूज़ के अंदर है होम, बस इतना आपको लिखना है। ये हमने इंपोर्ट नहीं किया, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ब्लॉग इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है व्यूज़ को। ओके तो ये हमारा काम हो गया, बस इतना ही करना। अभी हम लोग इसको अगर रन करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, रन किया रूट में हिट होगा तो व्यू फंक्शन होम कॉल होगा, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये रेंडर करेगा किसको, ब्लॉग के अंदर जो होम डॉट HTML है उसको, यानी कि इसको, और ये एक्सटेंड करता है बेस को तो बेस का सारा कोड चलाएगा, प्लस इसने जो ओवरराइड किया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब देखिए रूट में यहाँ आपको ये अभी ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने बैकग्राउंड हमारा डार्क नहीं हुआ, बट ये टेक्स्ट यहाँ लिखा होगा जो इसमें लिखा होगा होम पेज, देखिए होम पेज यहाँ लिखा हुआ। अगर हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से अभी टेक्स्ट वाइट को, इस क्लास को अगर हम लोग हटा दें यहाँ से तो फिर हमें ये रेंडर होकर दिखाई देगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हमारा कोड कहीं मिस्टेक हो गया या फिर हमने सही तरीके से रेंडर नहीं करवा। देखिए होम पेज हमारा रेंडर होकर हमें दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ सही है, धीरे धीरे चीज़ें सही होती जाएगी। अभी आपको वाइट दिख रहा था, आँखों में चुभ रहा था आपका, देखिए ये है ब्लैक, एक सडनली ब्लैक होता है फिर यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाइट होता है, बस इसी से बचाने के लिए मैंने सब कुछ डार्क किया हुआ है। धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, इसको वापस से मैं टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। पहले बैकग्राउंड को मैं डार्क कर देता हूँ, तो आपको स्टाइल डॉट सीएसएस में आना है, यानी कि अपने स्टाइल में आना है और यहाँ पर आपको बॉडी को पूरे को ब्लैक कर देना। तब लिखिए बॉडी कर ली ओपन कर ली क्लोज, और इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज कर देना है। इसका मैं RGB या ब्लैक डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट ब्लैक से थोड़ा सा कम, वो मैं आपको RGB के थ्रू लिख रहा हूँ 74 74। और जो फॉन्ट कलर हो इसमें, जो बॉडी का ओवरऑल बॉडी का जो फॉन्ट कलर हो उसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर एंटी वाइट, ये कर देता हूँ। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद अभी अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारा ये डार्क हो गया, अब आपके आँखों में चुभ नहीं रहा होगा। ओके जी, तो ये हमारा हो गया और हमें टेक्स्ट वाइट भी अब हमें उभर कर देखने को मिल रहा है। ये होम पेज हमारा रेंडर हो रहा है। इसी तरीके से हमें अबाउट पेज और बाकी सारे पेजेस रेंडर करवाने हैं, लेकिन वह करवाएंगे, लेकिन उससे पहले नेविगेशन बार बना लेते हैं। ओके, जो हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, ये कहाँ गया, ये नेविगेशन बार navbar.html में यहाँ पर आते हैं, कहाँ गया navbar.html यहाँ पर, और हम लोग ये बनाते हैं। मैं डायरेक्टली इसको बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि फ्रंट एंड में ज़्यादा समय देने की बजाय हमें बैक एंड में देना चाहिए, यानी कि जेंगो में देना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप के साइड में जाइए आप, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक कीजिए, यहाँ से कंपोनेंट में जाना है, कंपोनेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ से navbar यहाँ मिलेगा, बस ये आपको पकड़ना है और नीचे स्क्रॉल कीजिए। हमें सिंपल से चाहिए बिना सर्च बार वाला, तो स्क्रॉल डाउन ये वाला हमारा काम हो जाएगा। तो बस इसी को पूरे को कॉपी कर लेना है आपको, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए, इसको क्लोज़ कर दीजिए, इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पर इसको आकर पेस्ट कर देना है, बस इतना इजी है। और जब इसमें हमें कुछ काम करने का सकता नहीं, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, जैसे navbar एक्सपेंड LG ये रहेगा, navbar हमें लाइट नहीं चाहिए, हमें navbar डार्क चाहिए, तो मैंने navbar डार्क कर दिया। BG हमें लाइट नहीं चाहिए, BG हमें डार्क चाहिए, तो हमने ये डार्क कर दिया। ये सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ navbar ना लिखा हुआ रहकर हमारे यहाँ पर लिखा होना चाहिए क्या, मिनी ब्लॉग। देन टॉगल होने पर बटन बन जाएगा, ये सारा कुछ ठीक है। होम की जगह पर होम रहेगा, अभी हम लोग इसको चेंज करेंगे अपने होम पे, होम को इसको सिंपली मैं चेंज कर ही देता हूँ, यहाँ पर सिर्फ हमें एक स्लैश लिखने का सकता है। देन हमारा नेक्स्ट फीचर्स यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ हमारा, मैं आपको पहले एक बार अगर आप रन करके इसको देखेंगे
रेंडर हमारा हो रहा है, सर्वर हमारा बंद हो गया। सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, रन सर्वर। ये जो नब बार है हमने इंक्लूड किया अपने बेस में यहाँ पर, तो ये हमारा इनहेरिट होकर होम में भी आ रहा है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा नेविगेशन बार यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। हमें ये चेंज करना है, हमारा अभी होम है, मिनी ब्लॉग यहाँ दिखाई दे रहा है, होम यहाँ दिखाई दे रहा है। हमें फीचर्स नहीं चाहिए, प्राइसिंग नहीं चाहिए और डिजेबल्ड नहीं चाहिए, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ। तो नव बार में यहाँ आना है और फीचर्स की जगह पर मुझे क्या चाहिए, फीचर्स की जगह पर मुझे चाहिए अबाउट, तो मैंने अबाउट लिख दिया। प्राइसिंग की जगह पर मुझे क्या चाहिए, प्राइसिंग की जगह पर मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट, तो मैंने कॉन्टैक्ट लिख दिया। उसके बाद ये अलाई मैं हटा देता हूँ, ये डिजेबल्ड वाला है तो ये मैंने हटा दिया। हमें सिंपली ये वाला कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं एक बार कॉपी करता हूँ डैशबोर्ड के लिए, फिर एक बार कॉपी करना है लॉगआउट के लिए, फिर एक बार कॉपी करना है साइनअप के लिए, एक बार कॉपी करना है साइन इन के लिए। तो कॉन्टैक्ट एक रहेगा हमारा अबाउट के बाद, यहाँ से हमें चेंज करना है, तो ये हमारा हो जाएगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड और डैशबोर्ड के बाद हमें करना है लॉगआउट, लॉगआउट के बाद हमें करना है साइनअप या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, साइनअप हमने लिखा और यहाँ पर फाइनली हमारा हो जाएगा लॉगिन। तो हमने ये पूरा नेविगेशन बार तैयार कर लिया। बस हमें यहाँ पर एचआरएफ में यूआरएल्स देने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि अभी हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि सभी का लिंक यूआरएल पैटर्न हमने लिखा हुआ नहीं है। तो नेविगेशन बार हमारा तैयार है। अगर अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, डैशबोर्ड, लॉगआउट, साइनअप और लॉगिन। ओके, तो यहाँ तक हमारा बढ़िया है। ये पूरा चिपक जा रहा है ऊपर से, तो इसमें लोग थोड़ा सा मार्जिन सेट कर देते हैं। इसके लिए हमें होम में आना पड़ेगा और यहाँ पर हमें टॉप और बॉटम से मार्जिन दे देता हूँ MY5 और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा मार्जिन होकर हमें दिखाई देगा। तो नेविगेशन बार हमारा तैयार है। अभी हमें लोग वापस से होम में आते हैं और एक रफ मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जम्बोट्रॉन बनाएंगे। जम्बोट्रॉन का कोड भी आपको मिल जाएगा बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल साइट में जाइए, डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, यहाँ से कंपोनेंट में, और यहाँ पर जम्बोट्रॉन कहीं लिखा हुआ रहना चाहिए। देखिए जम्बोट्रॉन यहाँ पर है और हमें बस यहाँ पर एक बेसिक सा जम्बोट्रॉन लेना है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, इसको क्लोज कर देते, इसका कोई काम नहीं है अब। और यहाँ पर सिंपली आकर आपको इसको पेस्ट कर देना है। ओके, ये हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर फ्लूइड जम्बोट्रॉन की जगह पर मुझे लिख देना है क्या, दिस इज़ ब्लॉग टाइटल। तो ये हमारा ब्लॉग टाइटल बनेगा। अभी हमने हार्ड कोड किया बट ये डायनेमिक हो जाएगा, यानी कि डेटाबेस से हमारा उड़ कर आएगा। और यहाँ पर बस मैं लॉरेम का थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ, यानी कि टेक्स्ट लिख देता हूँ। 50 ठीक रहेगा, 50 तो ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, हम लोग इतना यहाँ से हटा देते हैं और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद इसको आप देखिए ये कैसा हमारा दिखता है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा दिख रहा है लिखा हुआ सब कुछ, लेकिन ये हमारा लाइट में है, लाइट में है, इसको हम लोग डार्क में करेंगे। तो जम्बोट्रॉन, जम्बोट्रॉन फ्लोइड, और हम लोग यहाँ अगर इसका हम लोग कलर देते हैं, एक अलग सा कलर मैं इसको देता हूँ। उसके लिए हम लोग सी एस एस लिखेंगे अपना, एक स्टाइल में आते हैं, स्टाइल और सी एस एस में, और यहाँ पर अपना कलर लिखते हैं। इसमें मैं जम्बो, देखिए जम्बोट्रॉन वहाँ देने का कोई ज़रूरी नहीं था बट हमने दिया क्योंकि हमारा एक एक पोस्ट अलग, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग डिज़ाइन में बेहतर दिखे, इसीलिए इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर रहा हूँ RGB में। और इसका RGB में दे रहा हूँ 83 81 81। ओके, देन ये वाला जो क्लास है जो कि बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा, ये क्लास बस हमें होम में आना है और यहाँ पर इसको लिख देना है। सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ओके जी, तो दिस इज़ ब्लॉग टाइटल और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिला, बट अभी ये हार्ड कोड किया हुआ है, ये डायनेमिक बन जाएगा हमारा थोड़ी देर बाद। दिस इज़ ब्लॉग टाइटल को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट वेट बोल्ड ये लिख देंगे। सेव कीजिए इसको, अभी ये पतला पतला लग रहा है, दुबला पतला लग रहा है, इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा मोटा लगने लगेगा इस तरीके से। चलिए बढ़िया, ये हमारा होम पेज का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग वापस चले आते हैं होम पेज में, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अभी बाकी है
जैसे ये हमें डायनेमिक बनाना है, इसमें आएंगे वापस से, इसके लिए हमने अभी फॉर्म वगैरह कहाँ बनाया है, अभी तो फ्रंट एंड में ही काम हो रहा है। तो होम तो हमारा हो गया, अभी अबाउट डॉट एच टी एम एल में चले आते हैं। यहाँ पर हमें बस एक्सटेंड करना है, तो होम में जो था इसी को कॉपी कर लीजिए और अबाउट में आकर इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके जी, तो स्टैटिक रहेगा, कंटेंट रहेगा 10, यहाँ रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग होम पेज की जगह अबाउट पेज कर देते हैं। जम्बोट्रॉन इसमें हमें नहीं चाहिए, तो जम्बोट्रॉन मैंने दिया यहाँ से यहाँ तक, डिलीट कर। और यहाँ बस एक पी बनाते हैं, और इसमें लॉरेम का कुछ हम लोग टेक्स्ट लिख देते हैं, एक और पैराग्राफ बना देते हैं थोड़ा सा ठीक दिखे इसके लिए। और इसमें भी हम लोग थोड़ा सा कोड टेक्स्ट लिख देते हैं, 50 आई थिंक ठीक रहेगा। सेव कर दिया। अभी हम लोग इसका कलर थोड़ा सा इसमें CSS डाल देते हैं, इसका क्लास कलर तो ठीक ही रहेगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। पर सेव किया, हम लोगों को ये अबाउट डॉट एच टी एम एल अभी रेंडर करवाना है, इसके लिए हमें व्यू लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो ये आपको तभी पता चलेगा और तभी आप कर पाएंगे जब आपने मेरा पूरा सीरीज़ फॉलो किया होगा, अदरवाइज़ आपको ये पूरी तरीके से दिमाग से बाउंस करके ऊपर से निकलेगा। तो क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है, और ये हमारा होम नहीं, ये हमारा बनेगा अबाउट के लिए। और यहाँ पर हम लोग इसको अबाउट कर देंगे, और ये रेंडर करेगा हमारा अबाउट डॉट एच टी एम एल। ओके जी, इसको सेव कीजिए। अब हमें इसका URL लिखना पड़ेगा, तो URL में चलते हैं यहाँ पर, और बस यहाँ पर आपको इसका URL पैटर्न लिखेंगे हम लोग रूट, तो ये अबाउट स्लैश हो जाएगा और ये कॉल करेगा कि इसको अबाउट व्यू फंक्शन को, तो इसको कर दीजिए सेव। अभी ये URL जब हिट होगा तो ये वाला फंक्शन हमारा चलेगा, यानी कि हमारा ये व्यू फंक्शन कॉल होगा और ये अबाउट डॉट एच टी एम एल को रेंडर करेगा, यानी कि हमारा ये वाला एच टी एम एल रेंडर होकर हमें दिखाई देगा। तो मैंने कर दिया है इसको रिफ्रेश, और अभी यहाँ क्लिक करने से काम नहीं बनेगा बिकॉज हमने नेविगेशन में भी लिंक नहीं किया है, बल्कि हमें यहाँ पर इस तरीके से अबाउट लिखना पड़ेगा। ये अबाउट लिख कर हमने किया, तो हमारा ये अबाउट पेज और ये हमें टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, आप ये कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं, अबाउट में इसको लिंक कर देते हैं, जो कि अभी लिंक नहीं है। होम लिंक हो चुका है बट अबाउट लिंक नहीं है, तो अबाउट को लिंक करते हैं और बाकी सारे साथ में लिंक करते जाएंगे फिर। तो अबाउट को लिंक करने के लिए हमें क्या करना है, अबाउट को लिंक करने के लिए आपको इस URL का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ हम लोग URL टैग का यूज़ करेंगे, तो यहाँ नेम देना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आप यहाँ पर लिखेंगे इसका अबाउट। अबाउट हमने लिया, आप कुछ भी लिख सकते थे बट मैंने अबाउट लिखा, और जो आप यहाँ पर लिखते हैं वही आपको लिखना पड़ेगा नेविगेशन में, ये अबाउट में यहाँ पर, और यहाँ पर इसको हटाकर आपको URL लिखना है, और यहाँ पर आपको बस लिख देना है अबाउट। बस इसको सेव कर दीजिए। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग आगे आते जाएंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे, जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे। तो ये हमने सेव कर दिया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए। अभी होम में है, अबाउट में क्लिक करेंगे। ओके, ये नॉट फाउंड बता रहा है हमारा, तो देखते हैं कि कहाँ पर इशू है हमारा। हमने यहाँ पर URL अबाउट %% हमने नहीं लिखा हुआ है। गजब 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 हो गया, हमने बेसिक सिंटैक्स ही गलत कर दिया। तो %% हमने नहीं लिखा हुआ था, इसी से शायद ये प्रॉब्लम था, तो हमने अब की बार इसको लिख दिया हुआ है। फिर वापस से आते हैं, आपको बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे और हमें इसे फिक्स भी करना पड़ेगा। अब अबाउट में आते हैं, तो ये हमारे रेंडर होकर हमें दिखाई देता है। होम में जाएंगे कि तो होम में, अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में। ठीक है जी, बढ़िया, अबाउट हमारा क्लियर हो गया। अभी हमें कॉन्टैक्ट क्लियर कर लेना है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल ये वाला पेज। तो अबाउट में जैसे हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया था, बस इसी को कॉपी करते हैं और कॉन्टैक्ट में आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। बाकी इसमें क्या नहीं चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए ये वाला पी, तो ये पी नहीं चाहिए, मैंने इसको कर दिया डिलीट। और हमें यहाँ अबाउट पेज की जगह हमारा यहाँ लिखा होना चाहिए, क्या ये लिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज, तो ये लिख देते हैं। और इसी डिव के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। कॉन्टैक्ट फॉर्म आप सिंपली बूटस्ट्रैप से कॉपी कर सकते हैं, मैंने बस कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। अब बूटस्ट्रैप से पूरा कोड कॉपी किया, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है। यहाँ हमने H3 में एक कॉन्टैक्ट पेज इस तरीके से लिख दिया हुआ है, फॉर्म टैग यूज़ किया क्योंकि ये फॉर्म है, इसी वजह से डिव फॉर्म रॉ ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, फॉर्म ग्रुप ये बूटस्ट्रैप क्लास है। हमने 6 MD में 6 इसका लिया हुआ है। नेम फील्ड बनेगा ये हमारा, फिर ये हमारा ईमेल फील्ड बनेगा, फिर ये हमारा एड्रेस फील्ड बनेगा, ये हमारा मैसेज फील्ड बनेगा,
टेक्स्ट एरिया है एक्चुअली में ये, देन हमने एक बटन ले लेंगे सेंड का। ये काम नहीं करेगा, बस ये शो के लिए, ये दिखेगा बस आपको, ये काम नहीं करेगा। इस पर हम लोगों ने अभी तक काम सीखा नहीं है, तो इस पर हम लोग जाएंगे नहीं। तो कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल हमारा तैयार है। इसको रेंडर करने के लिए व्यू फंक्शन लिखना पड़ेगा, सिंपली इसको कॉपी करना है और इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर ये हमारा कॉन्टेक्ट के लिए है, तो आप इसको लिख दीजिए कॉन्टेक्ट, और अबाउट की जगह ये हो जाएगा हमारा कॉन्टेक्ट, और ये रेंडर करेगा कॉन्टेक्ट को, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल को। इसका यू आर एल लिखना पड़ेगा, हमने यू आर एल लिखा हुआ नहीं है, तो चलिए यहाँ पर चले आते हैं। और बस यहाँ पर आपको आकर पहले तो ये अबाउट को हटाकर कॉन्टेक्ट करना है, और ये व्यूज़ डॉट कॉन्टेक्ट को रन करेगा, यानी कि व्यू फंक्शन इसको रन करेगा। और यहाँ पर नेम हमें हटा देना है, अबाउट हटाकर कॉन्टेक्ट कर देना है। देन इस नेम का यूज़ करके हम लोग इसका यू आर एल फिक्स कर लेते हैं नव बार में जाकर, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का कॉपी किया और यहाँ पर बस पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अबाउट की जगह बस हमें क्या कर देना है, कॉन्टेक्ट। ओके जी, इसको सेव कर दिया। अब यहाँ लोग रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं, या फिर इसमें भी कोई एरर है। तो होम अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट में, कॉन्टेक्ट में क्लिक करेंगे तो एरर। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, हमने यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक किया है, ये हमारा कोर नहीं है, ये हमारा है ब्लॉग, और मैंने इसको सेव किया। अभी हम लोग देखते हैं हमारा ये काम करता है या नहीं। कॉन्टेक्ट में देखिए, हमने हमारा ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर जाएंगे, होम में तो होम, अबाउट में तो अबाउट में, कॉन्टेक्ट में तो कॉन्टेक्ट में। ये लाइट अगर आपको दिख रहा है, ये जो हमने लिखा हुआ, ये आपको अगर चुभ रहा है आँखों में, तो मैं इसको भी डार्क कर देता हूँ सी एस एस लिख कर। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में आना है, और यहाँ पर हम लोगों को सिंपली कुछ सी एस एस लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। फॉर्म का कलर पहले चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर जो है वो, मतलब फॉर्म का ओवरऑल पूरा कलर चेंज हो जाएगा, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे फील्ड्स जो है उसका कलर चेंज नहीं होता। कलर और आरजीबी मैं देता हूँ इसमें भी, इसका हम लोग 177 और 168.168 ये आरजीबी देंगे। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो ये जो हमारा कलर था टेक्स्ट कलर, ये हमारा चेंज हो गया। ओके, अब इसको नहीं भी करेंगे तो भी आई थिंक चलता मेरा, इसको ना भी करूँ मैं तो, इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं बाद में देखा जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी आँखों में दिखेगा लगेगा तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। हमें फील्ड चेंज करना है, तो फील्ड चेंज करने के लिए फॉर्म कंट्रोल कॉमा, जब फोकस हो तब, या फिर पहले ये करके आपको दिखा देता हूँ कि इससे हमारा होगा क्या। बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे, इसका भी आरजीबी में कलर देंगे 177, जो भी हमने देखा था 177 और 168.168, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये इनका कलर हमने चेंज कर दिया, बट फोकस करने पर ये अभी भी वाइट हो जा रहा है, फोकस करने पर ये वाइट हो जा रहा है। तो फोकस करने पर वाइट हो रहा है, हमें टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, इसको रहने देते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि फोकस करने पर भी ये वाइट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पर यही सेम कलर, या फिर जो भी कलर, अगर आप अलग कलर देना चाहते हैं तो अलग टारगेट बनाइएगा, सेम कलर देना है तो सेम, कॉमा देकर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि फॉर्म डैश कंट्रोल और फोकस, ये हमारा कॉमा नहीं क्लास है तो डॉट लिखना है। ओके, इस तरीके से ऐसे लिखिएगा तो आपका क्या होगा, ये अभी जो वाइट आ रहा है फोकस करने पर, ये वाइट नहीं आएगा, बल्कि दोनों का कलर सेम हो जाएगा, यानी आप कीजिएगा तो ये वाइट नहीं आएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके जी, मगर मैं वाइट रहने देता हूँ, कम से कम जब आप लिखते हैं तब आपका टेक्स्ट आपको ठीक तरीके से दिखाई देना चाहिए। तो इसको मैं फोकस वाले को डिफ़ॉल्ट यानी कि वाइट ही रहने देता हूँ, जैसे वाइट रहेगा यहाँ पर तब आपको ये दिखाई देगा कि क्या लिखा जा रहा है। ओके, होम में चले आते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट का काम था जो हमने ख़त्म कर दिया। कॉन्टेक्ट पेज में और कुछ भी नहीं करना है, तो थोड़ा भीड़ कम करते हैं और यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। और हमें अबाउट डॉट एच टी एम एल में भी कुछ भी नहीं करना है, भीड़ कम कर दें, यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ। होम डॉट एच टी एम एल में अभी हमें कुछ नहीं करना है, इसको भी हम लोग कट कर देते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस में भी अब हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ। नेविगेशन बार में हमें डैशबोर्ड का लिंक बनाना है, अभी हमें लिंक बनाना है लॉगआउट का, लॉगआउट का
बनाना है, देन हमें साइनअप का और लॉगिन का बनाना है, इनके लिए हमें व्यू फंक्शन में लिखना है। तो पहले क्या करते हैं, फटाफट से ये डैशबोर्ड लिख दिया मैंने, डैशबोर्ड। फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, व्यू फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक डैशबोर्ड के लिए, लिखता चलता हूँ वरना मैं भूल जाऊँगा। ये कॉन्टेक्ट के बाद ये हो जाएगा डैशबोर्ड, और यहाँ पर हमें इसका नाम चेंज कर देना है, डैशबोर्ड। और ये रेंडर करेगा डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल को, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। इसी तरीके से डैशबोर्ड के बाद क्या है हमारा, ज़रा एक बार देख लेते हैं यार कहाँ गया भाई मेरे डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के बाद लॉगआउट, लॉगआउट हालांकि हमें सबसे नीचे रखना चाहिए मगर फिर भी यहाँ पर रख रहा हूँ, बाद में ऊपर नीचे होता रहेगा। लॉगआउट, लॉगआउट में हमें कोई भी पेज रेंडर नहीं करना बल्कि लॉगआउट सिर्फ हमें करना होता है। तो यूज़र लॉगआउट इसका हम लोग रखेंगे नाम, वरना लॉगआउट लॉगआउट हमारा मैच करेगा, क्या मैच करेगा, फंक्शन मैच करेगा, हमें लॉगआउट फंक्शन यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो लॉगआउट आप इस फंक्शन का भी नाम रखेंगे, फिर लॉगआउट आपका अपना इंपोर्ट किया हुआ फंक्शन भी रहेगा, तो दोनों मैच करेगा, काम नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर यूज़र लॉगआउट में लिख रहा हूँ। और ये हमारा कोई भी इस तरीके का कोई भी रेंडर नहीं करेगा, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ इसको पास कर देता हूँ, बाकी इसमें देखेंगे कि क्या कोड हमें लिखना है। इसी तरीके से हमें बनाना है साइनअप के लिए और लॉगिन के लिए, तो दो हमें फटाफट से बना लेने हैं, एक साइनअप के लिए, एक साइनअप के लिए और एक लॉगिन के लिए। ओके जी, तो ये डैशबोर्ड की जगह हमारा हो जाएगा साइनअप और ये हमारा हो जाएगा लॉगिन। अभी साइनअप और लॉगिन का कोड हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो हमने इतनी दिनों से देखा है वही, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा उससे क्या होगा, वीडियो हमारा हो जाएगा लंबा। तो साइनअप डॉट एच टी एम एल जो हमने बनाया वह हमने यहाँ लिखा, और लॉगिन के लिए हमने लॉगिन डॉट एच टी एम एल जो बनाया वह हमने यहाँ लिख दिया। अभी सभी का यू आर एल फटाफट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, यू आर एल डॉट पी आई फाइल में जाकर। तो कॉन्टैक्ट का बनाया, कॉन्टैक्ट के बाद एक डैशबोर्ड का बन जाएगा, साइनअप का, लॉगिन का, लॉगआउट का, इतना हमें बना लेना है। तो ये कॉन्टैक्ट और ये कॉन्टैक्ट दो चीज़ें हटानी है हमें, और ये कॉन्टैक्ट भी हटाना है। तो यहाँ से मैं मल्टीपल एडिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं डैश बोर्ड। वो तो डैशबोर्ड का काम हमारा ख़त्म, डैशबोर्ड के बाद हमारा क्या था, साइनअप। तो साइनअप के लिए भी मल्टीपल यहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं, कॉन्टैक्ट हटा देना है और यहाँ पर कर देना है साइनअप। उसके बाद साइनअप के बाद हमारा था लॉगिन या लॉगआउट था, पता नहीं याद नहीं रहा, याद नहीं आ रहा, लॉगिन ही लिख देता हूँ मैं, ये हटा दिया मैंने, और लॉगिन ऊपर नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा फाइनली लॉगआउट का। ओके जी, ये कैसे करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन अल्ट प्रेस करके अगर आप माउस लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो आप मल्टीपल जगह सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल जगह एक ही साथ लिख सकते हैं, लॉगिन के बाद लॉगआउट। तो इससे हमारा समय बचता है, ये सारे फीचर हमें मिलते हैं वीएस कोड में। तो हमने सबका यूआरएल क्रिएट कर लिया। अब ये क्या कह रहा है कि साइनअप का आपके पास कोई भी व्यू नहीं है, तो देखिए साइनअप का हमने क्रिएट किया है या नहीं, या हमने स्पेल मिस्टेक किया हुआ है। देखिए डैशबोर्ड हमने साइनअप का यहाँ ये चेंज नहीं किया, तो साइनअप और हमने कर दिया इसको सेव। अब ये कह रहा है कि लॉगिन का आपके पास कुछ नहीं है, तो भैया हमने लॉगिन का भी यहाँ फंक्शन चेंज नहीं किया हुआ है, तो ये लॉगिन का भी हमने चेंज कर दिया। अब बोल रहा है कि लॉगआउट का आपने नहीं किया, तो लॉगआउट नहीं हमारे पास, हमारे पास है लॉगिन। अच्छा, यहाँ लॉगिन नहीं करना हमें, ये यूज़र लॉगिन इसका नाम रखना है, वरना इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग यूआरएल में आते हैं, कुछ हमें चेंज करनी पड़ेगी, लगे हैं यूज़र लॉगिन हमें करना है और ये यूज़र लॉगआउट है। ओके, तो ये हमारा अभी ठीक होगा, अभी कोई भी एरर हमने हमारा यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। एरर का भी आपको ध्यान रखना है, नाम इसका वही रखेंगे, लॉगिन, लॉगआउट, साइनअप, डैशबोर्ड, सिर्फ अपने व्यू फंक्शन का नाम हमने चेंज कर दिया। इसको कर दिया हमने सेव। सेव करने के बाद हम लोग नेविगेशन को क्लियर कर लेते हैं। नेविगेशन के लिए हम लोग यहाँ पर चले आते हैं, इसको हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, कॉन्टैक्ट का जैसे कॉपी किया हमने, फिर डैशबोर्ड, बस यहाँ पर हमें डैशबोर्ड लिख देना है, डैशबोर्ड लिख दिया। फिर इसी तरीके से लॉगआउट के लिए यहाँ बस लॉगआउट लिख देना है,
और साइनअप के लिए हमें यहाँ पर साइनअप लिख देना है। और फाइनली लॉगिन के लिए हमें यहाँ पर लॉगिन लिख देना है, यहाँ पर लॉग इन, इसको सेव कर दिया। हमारा सारा लिंक हमारा सेटअप हो गया। यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप वही लिखते हैं जो आपने यहाँ पर नेम दिया हुआ है। तो ये नेम जो लिखते हैं वही आपको यहाँ पर यूआरएल के साथ लिखना होता है, तभी आपका काम करेगा। ओके जी, तो मैंने इसको सेव कर दिया। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई एरर है क्या, दिख भी नहीं रहा। नहीं, एरर नहीं है। और यहाँ पर हमारा ये सब फंक्शन भी तैयार है और हमने रेंडर करने के लिए भी लिख दिया है सिवाय लॉगआउट वाले के। सभी में छोटा छोटा कोड लिख देता हूँ मैं, जैसे हमारा अभी हमारा कॉन्टैक्ट तक क्लियर है। डैशबोर्ड से शुरू करता हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, अबाउट में आता हूँ मैं, कॉपी किया और डैशबोर्ड में आकर इसको पेस्ट कर दिया। ये हमें नहीं चाहिए पी, तो ये पी यहाँ से यहाँ तक का मैंने कट कर दिया। सिंपली यहाँ पर लिख देंगे डैशबोर्ड पेज, डैशबोर्ड पेज, इसको सेव कर दिया। बाकी ऊपर में ब्लॉग है, इस बार कोर नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, सेव कर दिया। अभी यही सी चीज़ को कॉपी करके किस में डालना है, अबाउट क्लियर है, बेस क्लियर है, कॉन्टेक्ट क्लियर है, डैशबोर्ड क्लियर है, होम क्लियर है, लॉगिन, लॉगिन में आकर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर बस इसको लॉगिन पेज लिख दीजिए। बस ऐसे में सिर्फ एक ओवरऑल तैयार कर रहा हूँ, बाकी इसमें कोड लिखेंगे बाद में। लॉगिन हो गया, नव बार तैयार है साइनअप, यहाँ आना है और यहाँ पर साइनअप पेज लिख देना, या फिर रजिस्ट्रेशन, या फिर बिकम एन ऑथर, या फिर अभी साइनअप पेज रहने देता हूँ मैं इसको, साइनअप पेज, सेव कर दिया। अब देखते हैं कि सब कुछ हमारा रेंडर कर रहा है सही सही या नहीं। इसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पर, रिफ्रेश करते हैं इसको, होम में क्लिक करने पर होम पेज, अबाउट में क्लिक करने पर अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट में क्लिक करने पर कॉन्टैक्ट फॉर्म, डैशबोर्ड में क्लिक करने पर डैशबोर्ड पेज, और लॉगआउट में नहीं क्लिक करना है, साइनअप में क्लिक करने पर साइनअप पेज, और लॉगिन में क्लिक करने पर लॉगिन पेज। लॉगआउट में क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होगा, लॉगआउट में क्लिक करने पर एक्चुअली में लॉगआउट हो जाना चाहिए और हमें होम में ये रिडायरेक्ट करेगा। तो ये हमें लिखना है, तो होम में रिडायरेक्ट करेगा ये हमें। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक तो हमें पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा किसको, HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट को, देन हमें हमारा कहाँ गया लॉगआउट, यहाँ पर है रिटर्न, और यहाँ पर आपको लिख देना है होम। सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद लॉगआउट होम में चले जाएंगे। देखिए अबाउट में तो अबाउट में, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट में, डैशबोर्ड में साइनअप में, लॉगिन में, लॉगआउट में क्लिक करने से होम में, ठीक है जी। तो ये हमने फ्रंट एंड का लगभग लगभग सारा काम कर लिया हुआ है, जो हमारा टेम्पलेट है उसका हमने सारा लगभग काम कर लिया हुआ है। अभी हमारा मेन कोड यहाँ से तैयार होना शुरू होगा। हमारा क्या एक ब्लॉग पोस्ट होगा, तो पहले ब्लॉग पोस्ट के लिए हम लोग एक ब्लॉग की बेसिक नीड क्या है, एक ब्लॉग की बेसिक नीड है एक पोस्ट होना चाहिए। पोस्ट में क्या होता है, टाइटल होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, ये दो चीज़ें अभी हम लोग मानकर चलते हैं। तो ब्लॉग के अंदर हमें पोस्ट बनाना, यानी कि एक टेबल हमें बनाना पड़ेगा पोस्ट नाम का, जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन नाम का हमारा दो कॉलम रहेगा। तो अपना टेबल बनाना है, टेबल कैसे बनाते हैं जी, मॉडल बनाकर। तो चलिए मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के लिए आपको models.py फाइल में जाना है और यहाँ पर हमारा मॉडल बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, क्लास लिखना है, क्लास मॉडल का नाम, मॉडल क्लास का नाम पोस्ट रखा मैंने, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट ब्लॉग पोस्ट पोस्ट रखना है। पोस्ट का इसमें डेटा रहेगा, तो मैंने पोस्ट नाम रखा है, अपने दिमाग से सोच लीजिएगा। तो मॉडल्स, और ये इनिट करेगा मॉडल को। इसमें दो फील्ड होंगे, पहला फील्ड होगा टाइटल, मैं सिंपल लिख रहा हूँ टाइटल। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ऑथर हो सकता है, टाइम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मैं सिर्फ दो चीज़ लेकर चलूँगा यहाँ पर। एक टाइटल, मॉडल्स डॉट इसका फील्ड देंगे कैर फील्ड, और इसका हम लोग मैक्स लेंथ दे देंगे 150 या 200, जितना भी आप देना चाहें दे सकते हैं। इसी तरीके से एक और मैं बनाऊँगा DESC यानी कि डिस्क्रिप्शन, और ये हमारा मॉडल्स डॉट, ये बनेगा हमारा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड हमें क्या देगा, हमें टेक्स्ट एरिया देगा, इसका मैक्स लेंथ डिफाइन करना ज़रूरी नहीं है। तो ये अभी हमारा मॉडल्स बना है, इस मॉडल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, इस मॉडल को हमें कन्वर्ट करना है SQL क्वेरीज में। इसके लिए हम लोग यहाँ पर रन करेंगे, पहले सर्वर स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ रन करेंगे हम लोग पाइथन manage.py make migration,
मेक माइग्रेशन सबको रन करना है। ये हमारा माइग्रेशन माइग्रेशन हमारा हो गया, यानी कि हमारा एक मॉडल क्रिएट हो गया पोस्ट का, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी हमारा जनरेट हो गया। अब उसको एग्जीक्यूट करवाना ताकि हमारा टेबल भी बन जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, पाइथन मैनेजर पी वाई माइग्रेट, और इससे हमारा जो डिफ़ॉल्ट टेबल है वो भी क्रिएट हो जाएगा और हमारा अपना टेबल जो है वह भी यहाँ ओके हो गया है, देख सकते हैं आप। तो इतना सब कुछ तो हो गया, अभी हम एक सुपर यूज़र बना लेते हैं ताकि हम लोग देख पाएँ चीज़ें। तो सुपर यूज़र बनाने के लिए आपको क्या करना है, पाइथन मेथड पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र और इंटरप्रेस करना है। सुपर यूज़र का नाम रखेंगे एडमिन, ईमेल नहीं देना है, पासवर्ड एडमिन, अगेन पासवर्ड एडमिन वाई लिखकर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद फिर से रन कीजिए इसको, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, सर्वर हमारा चल पड़ा हुआ। अभी हमें इसको अगर देखना है, अभी आप देखेंगे लॉगिन करके, मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन में लॉगिन करके। देखिए हमने यहाँ मैं बुक मार्क मैंने करके रखा हुआ एडमिन का, तो मैंने यहाँ एडमिन डायरेक्टली इसको ओपन कर लिया। आपको लिखना पड़ेगा एडमिन, तब जाकर आप इसका आएगा एडमिन। हम लोग लॉगिन करते हैं एडमिन, एडमिन इंटरफेस क्या हुई, हमने जो भी बनाया ब्लॉग के लिए पोस्ट टेबल, वह टेबल हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, ना हमें यहाँ ब्लॉग एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ बस ग्रुप्स दिखाई दे रहा है और हमें दिखाई दे रहा है यूज़र, जिसमें एक एडमिन यूज़र अभी हमने क्रिएट किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें दिखाई दे उसके लिए हमें इस मॉडल को रजिस्टर करना पड़ता है, यह भी हमने सीखा हुआ। रजिस्टर करने के लिए कहाँ जाना है, एडमिन डॉट पी वाई फाइल में, तो यहाँ आना है और यहाँ पर आपको पहले इम्पोर्ट कर लेना है ये किस मॉडल का आपको करना है, मॉडल्स में से करंट लोकेशन में मॉडल्स को इम्पोर्ट करना है, किसको, पोस्ट नाम के मॉडल को। तो स्पेल सही लिखना है वरना एरर आ जाएगा। और यहाँ पर रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के लिए एडमिन डॉट डेकोरेटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ रजिस्टर, और किसको रजिस्टर करना है, पोस्ट को, तो पोस्ट, और यहाँ हमें क्रिएट करना है मॉडल एडमिन क्लास, पोस्ट मॉडल एडमिन मैंने नाम रखा, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, देन ये इनहेरिट करेगा एडमिन को और मॉडल एडमिन को। देन हमें क्या क्या दिखाना है, हमें दिखाना है लिस्ट एडमिन में क्या क्या दिखाना है जी, हमें दिखाना है आईडी क्योंकि ऑटो जनरेट होता है, और उसके बाद दो चीज़ें, एक तो टाइटल जो हमने क्रिएट किया है और दूसरा DESC जो हमने क्रिएट किया है। बस इतना के लिखिए, इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद यहाँ आइए और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए ब्लॉग हमारा एप्लीकेशन का नाम और उसमें पोस्ट हमारा मॉडल का नाम, जिसका जिस नाम से हमारा टेबल क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ एस लगाकर आपको मिलता है पोस्ट्स, आपने पोस्ट लिखा होगा तो पोस्ट्स मिलता है, स्टूडेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट्स मिलेगा, यूज़र लिखेंगे तो यूज़र्स मिलेगा। पोस्ट्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट रहेगा तो आपको दिखाई देगा। एक पोस्ट में सिंपल सा यहाँ से करता हूँ ऐड पोस्ट में क्लिक करके, चूँकि ये एडमिन है तो ये कर सकता है। तो लर्न Django easy way ये लिखा हमने, फिर यहाँ से लॉरम का हम लोग कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट ले लेते हैं, हमारे पास ये बहुत सारा टेक्स्ट है। अगर आप जाएंगे किसी टेम्पलेट में, होम में जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है हमारा, ये नहीं लेते हैं यार, अबाउट में जाते हैं, यहाँ से लेते हैं ये वाला, हमने इतना सारा टेक्स्ट ले लिया, इतना सारा नहीं लेते हैं, इतना लेते हैं, कॉपी किया बस टेक्स्ट ये कॉपी किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करके और सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेव हो गया, आप देख सकते हैं आईडी हमारा 1, टाइटल हमारा ये दिख रहा है लर्न Django इजी वे, और डिस्क्रिप्शन में हमारा ये पूरा है। ओके जी, होम में जाइएगा पोस्ट में, तब को ये दिखाई देगा। तो ये तो हमारा यहाँ से दिख रहा है, हमें पैनल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर यही पैनल दे देंगे एडमिन के लिए, ये हो गया, फिर एडमिन एक यूज़र क्रिएट कर लेगा और इस यूज़र को ऑथर बनाकर दे देगा और इसको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, जो भी परमिशन देना हो दे सकता है। तो वह काम आप कर सकते हैं यहाँ से, आपको पैनल बनाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें करना है, हमें सीखना है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं फिर से वापस से कोड में, और होम से कुछ नहीं लेना, काट देते हैं इसको, इसको भी कुछ नहीं लेना, इसको भी काट देते हैं, मॉडल से भी कोई काम नहीं अब है हमारे, इसको भी कट कर देते हैं। प्रोजेक्ट देखते हैं एक बार यहाँ पर आकर, ये वाला प्रोजेक्ट हमारा, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, जब यूज़ होगा तो इसको वापस लॉगिन करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें होम हो गया, हमारा अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, डैशबोर्ड में अभी आएंगे नहीं, लॉगआउट में अभी आएंगे नहीं, हमें साइनअप पेज बनाना है और लॉगिन पेज बनाना है, ये दो पेज बनाना है, और ये दोनों बनाएंगे हम लोग जो हमें बिल्ट इन मिलता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम, उससे बनाएंगे जो अभी तक हमने सीखा है। तो साइनअप बनाना है और लॉगिन बनाना है, ये दो चीज़ हमें
अभी क्रिएट करना है। तो views.py फाइल में आना है क्योंकि यहीं से हमारा रेंडर होगा। तो सारा कोड हमें यहीं पर लिखना है। देखिए हमें होम में कुछ भी नहीं करना है, अबाउट में कुछ भी नहीं करना, कंटेंट में कुछ भी करना, डैशबोर्ड में अभी कुछ नहीं करना, लॉगआउट में कुछ नहीं करना, अभी यूज़र में हमें करना है, सॉरी साइनअप में हमें करना है। साइनअप का नाम चेंज के मैं कर देता हूँ यूज़र साइनअप, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ हमें चेंज किया तो हमें url.py फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आते हैं url.py फाइल यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर सिंपली हमें कर देना है क्या, यूज़र साइनअप, क्योंकि ये यूज़र साइनअप है तो यूज़र साइनअप लिखा हुआ रहता ज़्यादा बेहतर है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ काम कर रहा है या नहीं। ये लॉगिन काम कर रहा है, साइनअप काम कर रहा है, चलिए ठीक है। तो साइनअप में हमें काम करना है, ठीक है जी, बेहद ही ईजी है, ये हमने देखा हुआ है। पहले हम लोग चेक करेंगे कि, या फिर पहले हम लोग फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म में सिंपल से वो क्रिएट करके दिखाता हूँ। जो हमें फॉर्म मिलता है जेंगो की तरफ से, तो वह फॉर्म है हमारा यूज़र क्रिएशन फॉर्म, और वह फॉर्म हमें मिलता है कहाँ पर, को इम्पोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट यूज़र यूज़र क्रिएशन फॉर्म। ये वाला फॉर्म है जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म हमें मिलता है जेंगो की तरफ से, इसका यूज़ करके हम लोग अपना फॉर्म, मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं। तब आना है साइनअप में और यहाँ पर सिंपली लिखना है क्या, फॉर्म इक्वल ये वाला पूरा, और यहाँ पर आपको सिंपली लिखना होता है, इसको रेंडर करने के लिए भेज दीजिए आगे, यानी कि फॉर्म की, फॉर्म हो जाएगा की हमारा, और इसका वैल्यू भी फॉर्म रख देंगे, ठीक है। अभी मैं fm नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि जो हम लोग जनरली क्या करते हैं प्रोडक्शन में कि नाम ज़्यादा डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट नहीं रखते हैं, वरना कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ में फॉर्म से हमारा काम हो जा रहा है, तो हमने फॉर्म में ही नाम रख दिया। आप अलग अलग भी रख सकते थे, बस ये वाला जो की होता है वही हमारा यहाँ वेरिएबल बनता। हमें जाना अपने टेम्पलेट में, और हमें साइनअप पेज, ये पेज ओपन करना है, और यहाँ पर सिंपली इस डिव के नीचे यहाँ पर हमें वो जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म डॉट एज पी, ये हमें बस ऐसे लिख देना है। ये फॉर्म टैग के अंदर में लिखना है, बट अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, और हमें बटन वगैरह बनाना पड़ेगा। ये हमारा एक बेसिक सा साइनअप पेज हमें मिल जाता है, बट इसमें बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा। हमें और भी डेटा चाहिए, हमें यूज़र नेम पासवर्ड के अलावा हमें चाहिए इसका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, यानी कि हमें इस फॉर्म को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्टली यूज़र क्रिएशन फॉर्म को यहाँ इम्पोर्ट करके यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारा एक गड़बड़ हो गया। तो इसको हमें हटाना है यहाँ से, और हमें जाना है अपने forms.py फाइल में, जो कि हमें बनाना पड़ेगा, है नहीं। तो एप्लीकेशन में आइए, ब्लॉग में न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखिए forms.py फाइल, और यहाँ पर इसको इम्पोर्ट करना है। पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो इम्पोर्ट फॉर्म्स, क्योंकि ये तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही, तो फॉर्म्स। उसके बाद हमें इम्पोर्ट कर लेना है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स इम्पोर्ट, अभी जो हमारा था यूज़र क्रिएशन फॉर्म, ये वाला, ये हमें कस्टमाइज़ करना है। इसके अलावा और क्या चाहिए, और हमें फिलहाल के लिए अभी कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए होगा तो हम लोग बनाएंगे। हमें एक मॉडल चाहिए होगा, यूज़र मॉडल, जो हमारा जेंगो हमें देता है, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब, ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए पता नहीं, अच्छा अच्छा चाहिए, क्योंकि मॉडल फॉर्म बना रहे हैं तो फिर ये तो चाहिए। फिर ऑथ, यहाँ से मॉडल्स, देखिए आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है ठीक तरीके से तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि क्या क्या कोड लिखा है। ये सारी चीज़ें बिल्ट इन है जो जेंगो हमें देता है, ये हमने बनाया हुआ नहीं है, ये सब बिल्ट इन है, सब दिया हुआ है जेंगो का, और इसके ऊपर हमने डिटेल में बात किया हुआ है। तो बस ये हो गया, अभी हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे, साइनअप फॉर्म। तो साइनअप फॉर्म ये मैं लिखा, और ये फॉर्म इनहेरिट करेगा इस वाले फॉर्म को, यानी कि यहाँ पर जो फीचर है वह हमें चाहिए इस फॉर्म में, तो हमने इसको इनहेरिट कर लिया। साथ में हमें अपना भी चाहिए, तो पहले हमें क्या करना है, क्लास मेटा, मेटा क्लास बनाना है, और इसमें मॉडल हमें लिख देना है। ये मॉडल किसका मॉडल यूज़ करेगा, यूज़र का मॉडल यूज़ करेगा, यूज़र मॉडल भी
जेंगो के द्वारा क्रिएट किया गया, जो हमने यहाँ इम्पोर्ट किया वही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसमें पहले फील्ड्स क्या क्या हमें चाहिए, फील्ड्स जी हमें चाहिए एक तो यूज़र नेम चाहिए, तो यूज़र नेम हमने लिख लिया। अभी हमें यूज़र नेम पासवर्ड कन्फर्म इतना ही मिल रहा है, उसी को हम लोग कस्टमाइज़ कर रहे हैं। यूज़र नेम चाहिए, फिर हमें फर्स्ट नेम चाहिए, फिर हमें चाहिए लास्ट नेम, फिर हमें चाहिए ईमेल, ये हमें चाहिए। तो इस फॉर्म को अब हमें यूज़ करना है, अपने व्यू में, यानी कि यहाँ पर आना है। पहले तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा जी, तो फ्रॉम करेंट फॉर्म्स इम्पोर्ट साइनअप फॉर्म, तो हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया और अपने साइनअप में जाना है। यहाँ पर यूज़र क्रिएशन फॉर्म की जगह पर हम लोग अपना फॉर्म लिखेंगे, यूज़र क्रिएशन ही है बट उसको कस्टमाइज़ करने के बाद जो फॉर्म हमने बनाया उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ। देन ये फॉर्म जाकर रेंडर होने के लिए सेव किया इसको, और यहाँ पर सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं कि हमें यूज़र नेम मिल गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। हमें थोड़ा सा चेंज करना है और इसका लेबल सेट करते हैं। फर्स्ट नेम नेम का एन कैपिटल कर देंगे, लास्ट नेम नेम का एन कैपिटल कर देंगे, ईमेल एड्रेस की जगह सिर्फ ईमेल लिखेंगे और कुछ और चीज़ें हम लोग इसमें चेंज करेंगे, लाइक पासवर्ड कन्फर्मेशन को पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड अगेन लेवल चेंज कर देंगे। तो ये सारे काम हमें करने हैं, ये काम करेंगे हम लोग फॉर्म में। यहाँ पर पहले पासवर्ड का काम करते हैं, यहाँ लिखना है पासवर्ड वन, एक पासवर्ड वन है, एक पासवर्ड टू है। कैसे पता करना है, पता कुछ ऐसे करना है, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ गया हमारा, देखिए ये खिचड़ी बन गया। ओके छोटा करना, देखिए यहाँ पर हमारा है लेबल पासवर्ड के लिए इसका नेम पासवर्ड वन। ओके तो ये पासवर्ड वन पकड़ना है तो ये पकड़ में आ जाएगा, और पासवर्ड टू है एक, इसे ये कन्फर्म पासवर्ड पकड़ में आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं और मैंने आपको बताया भी है, वहाँ से अगर आप याद रख पाए हैं तो अच्छी बात है। और ये चूँकि फॉर्म का अपना फॉर्म एपीआई का है अपना है, इसलिए हमें ये यहाँ लिखना पड़ रहा है, ये आपको यहाँ मॉडल का पार्ट नहीं है, ये होता है ये पासवर्ड, ये हमने डिटेल में बात किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है। तो फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, और इसका लेबल हमें चेंज करना है, लेबल इक्वल हमें लिख देना है क्या पासवर्ड, लगे पासवर्ड ही है बट लेबल हमने इसका चेंज कर दिया। तो एक तो ये हमने काम किया इसका, और एक पासवर्ड टू का भी हमें करना है, तो पासवर्ड टू यहाँ लिख देना है। ये भी हमारा कैर फील्ड, कैर फील्ड के बाद इसमें हम लोग कन्फर्म पासवर्ड और ब्रैकेट में यहाँ पर आपको लिख देना है अगेन, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद हमें लेबल्स, इनका लेबल्स भी चेंज करना है, हमने अभी हमने पासवर्ड का सिर्फ किया। यहाँ पर आपको लिखना है लेबल, ये हो जाएगा हमारा डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पर हमें दिया जाता है। तो हमने पहले यूज़र नेम का, यूज़र नेम रहेगा फर्स्ट नेम, आपको ये लिखना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको क्या लेबल देना है, इसको लेबल मुझे देना है फर्स्ट और नेम का एन कैपिटल, कॉमा देना है। उसी तरीके से लास्ट नेम, लास्ट नेम इसका क्या लेबल देना है, इसका लेबल देना है मुझे लास्ट नेम, इस तरीके से कॉमा देकर ईमेल, और ईमेल का क्या लेबल देना है, ईमेल का लेबल देना है ईमेल, तो ईमेल तक का हो गया। अब इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा हो गया जी, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, साथ में अनाप शनाप जो था वो भी हमारा गायब हो गया। यूज़र नेम में यूज़र नेम लिख सकते हैं आप, फर्स्ट नेम में पासवर्ड फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम में लास्ट नेम, ईमेल में ईमेल, और पासवर्ड में पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड का जो स्टार स्टार आना चाहिए था बट स्टार स्टार नहीं आ रहा, हमारा करेक्टर आ रहा है, इस वजह से हमारा पासवर्ड का जो वैलिडेशन था वह भी गायब हो गया। तो ये हमें फ़िक्स करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो विजेट है वो सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ विजेट सेट करते हैं, इसका विजेट सेट करना है, इसका विजेट हमारा आ जाएगा फॉर्म्स, और ये बनेगा क्या पासवर्ड इनपुट, और यही सेम हमें पासवर्ड टू के लिए भी कर देना विजेट। और यहाँ से यहाँ तक का कॉपी कीजिए और बस यहाँ पर आकर कॉमा देकर आपको पेस्ट कर देना। ओके जी, यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी देखते हैं कि हमारा ये काम करता है या नहीं। रिफ्रेश किया,
देखिए हमारा पासवर्ड में ये डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट 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 आ रहा है। चलिए बढ़िया, यहाँ तक का काम हमने कर दिया हुआ है। अभी पहले ये जो हमारा फॉर्म आ रहा है साइन अप में, इसमें कंट्रोल थोड़ा सा अपना ले आते हैं। कंट्रोल लाने के लिए हम क्या करेंगे, लेवल बाय वन बाय वन फॉर्म को प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम लोग फोर लूप यूज़ करेंगे। तो इसको हटा देता हूँ मैं, पहले फॉर्म टैग लिखते हैं पोस्ट वाला, और इसके अंदर में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो पहले सी एस आर एफ, वरना आ जाएगा एरर भयंकर सा। तो सी एस आर एफ लिख का फोर लूप लिखेंगे, फोर फॉर्म, नहीं एफ एम यहाँ यूज़ करते हैं, इन फॉर्म। ओके, देन एंड कर लेते हैं फोर को, वरना मैं जाता हूँ ये सब चीज़ें भूल और आ जाता है पोपट मेरा। तो ये हो गया जी। अभी पहले लेवल, तो एफ एम डॉट लेबल टैग, लेबल टैग, इसे क्या होता है हमने कई बार डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो लेबल टैग हमने दे दिया, फिर हमें दे देना है जो फील्ड होता है उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पर एफ एम। उसके बाद जो एरर आएगा उसके लिए इसे क्या होगा, इसे हमारा हर एक फील्ड हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो एफ एम डॉट एरर्स, और यहाँ पर स्ट्राइक टैग्स हमने लिख दिया। हमने सेव किया इसको, सेव करने के बाद अगर आप इसको भी, एक हमने बनाया नहीं है क्या, इनपुट सबमिट, ये बटन हमने नहीं बनाया था। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे जी, सबमिट, और हमने कर दिया इसको सेव। सेव करने के बाद जो नॉन फील्ड्स एरर होंगे वह भी हम लोग लिख देते हैं। तो नॉन फील्ड्स एरर के लिए मैंने क्विकली कोड लिख दिया, ये नॉन फील्ड्स एरर फॉर लूप लगा दिया हुआ है, और मैंने यहाँ बूटस्ट्रैप भी लगा दिया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। फिर मैं आपको ये हटा देता हूँ कुछ देर के लिए कि जी पी के अंदर में लिखा हुआ एरर्स। ओके, तो ये हमने कोड लिखा, भी हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये इस तरीके से मिल रहा है एक एक करके। तो इसमें बूटस्ट्रैप हमें लगाना है। बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म होता है वो ब्यूटीफुल दिखता है, तो हमें वह अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें क्लासेस चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्लास चाहिए। अगर आप बूटस्ट्रैप का फॉर्म देखेंगे इंटरनेट में, देखिए बूटस्ट्रैप का फॉर्म मैंने निकाला हुआ है यहाँ पर। आप कोई भी फॉर्म देखिए, सिंपल सा या फिर कोई भी फॉर्म देखिए, ऊपर में ही दिखाता हूँ। देखिए ये वाला फॉर्म, इसमें क्या है, फॉर्म टैग में कोई क्लास नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्म ग्रुप का क्लास है। हर एक फील्ड को इनक्लोज किया गया है एक डिव से, और इस डिव का क्लास है फॉर्म ग्रुप। तो हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा। तो चले आते हैं, हर एक होना चाहिए तो फोर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। एक डिव बनाना है और इसका हमें देना है फॉर्म ग्रुप, ये हमें क्लास देना है इसके अंदर। और इसको इनक्लोज करना है किसको, इस पूरे एरर के साथ। ओके जी, एक ये काम हमने कर लिया। अभी मैं आपको वापस से बूटस्ट्रैप में दिखाता हूँ। तो ये फॉर्म ग्रुप वाला काम हमने कर लिया, इसके अंदर में अब हमारा जो भी होगा फील्ड वह होगा। इसके अलावा लेबल में फोर में कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इनपुट में टाइप ईमेल, वो तो अपना अपना रहेगा। एक हमें हर एक इनपुट में हमें एक क्लास देना है फॉर्म डैश कंट्रोल, आईडी अपना रहेगा। ये आप दे में देंगे तो भी चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा हमारे लिए अभी, लेकिन हमें ये क्लास देना है हर एक फील्ड में फॉर्म डैश कंट्रोल। तो ये कैसे देंगे भाई, ये तो एक समस्या हो गई, बिकॉज हमारे यहाँ पर कहीं हमें दिख नहीं रहा कि कैसे देना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से विजिट सेट करेंगे उस फॉर्म को जहाँ हमने कस्टमाइज़ कर रहे हैं हम लोग यूज़र क्रिएशन फॉर्म को। यहाँ से हर एक फॉर्म के लिए हम लोग विजिट्स सेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ से लिखना है विजिट्स इक्वल और यूज़र नेम, और ये हमारा फॉर्म्स है, और ये किसका क्या है, टेक्स्ट इनपुट है, टेक्स्ट एरिया नहीं टेक्स्ट इनपुट है। और यहाँ पर ए टी टी आर एस, इससे हम लोग एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सेट कर सकते हैं। और ये ले लेगा एक क्लास, और क्लास का हमें देना है क्या, वैल्यू फॉर्म डैश कंट्रोल। तो यूज़र नेम के लिए हमने सेट कर दिया। अब यही काम हमें हर एक के लिए करना है, यानी कि फर्स्ट नेम के लिए भी करना है और बाकी के लिए भी करना है। इसको नीचे कर देता हूँ और हम लोग बस इसको लिखते चलें बिंदास मस्ती से, तो हमारा काम होता जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ नीचे और यहाँ पर लिखता हूँ। इसी को कॉपी करके लिखेंगे तो भी चलेगा हमारा। कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर बस हमें चेंज करना है
फर्स्ट नेम के लिए ये हो रहा है, इसका हम लोग जो टेक्स्ट इनपुट ही रहेगा और इसका क्लास भी सेम रखना है, कोई चेंजेस नहीं होंगी। इसी से लास्ट नेम के लिए और ईमेल के लिए बस हमें चेंज कहाँ करना है, फर्स्ट नेम की जगह ये हो जाएगा हमारा लास्ट नेम और ये हो जाएगा हमारा ईमेल। और ये टेक्स्ट इनपुट नहीं रहता है ईमेल वाला, ईमेल होता है ईमेल इनपुट। ये यहाँ क्या क्या आप लिख सकते हैं, कौन कौन सा ये पुट होता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं वापस उसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। अभी हमने पासवर्ड का नहीं किया भाई मेरे, यहाँ तक हमने ये बाकी सब तो कर दिया। मतलब अगर हम लोग अभी रिफ्रेश करें इसको तो देखिए हमारा ये हो गया, यूज़र नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल हो गया, बट हमारा पासवर्ड नहीं हुआ है। तो पासवर्ड का हमें यहाँ पर से करना पड़ेगा। तो विजिट तो हमने पहले से लगाया हुआ, बस हमें ATTRS लगाना है। तो यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने ये वाला, बस यहाँ पेस्ट करना है इसके लिए और यहाँ भी पेस्ट करना है इसके लिए। सेव कीजिए और इसको कर दीजिए रिफ्रेश। तो ये हमारा हो गया, इसको व्यू सोर्स करके देखेंगे आपको वही सेम टू सेम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो देखिए हमारा हर एक इनपुट फील्ड एक डिव से इनक्लोज्ड है और इनपुट फील्ड में हमारा क्लास फॉर्म कंट्रोल आ गया, जैसा हमारा बूट स्ट्रैप में था वैसे ही हम लोग यहाँ पर अचीव कर लिए। इसीलिए हमारा ये फॉर्म इस तरीके से बेहतर दिखाई दे रहा है। ओके, तो हमारा साइनअप पेज तैयार है, रेडी है हमारा साइनअप होने के लिए। अब ये साइनअप होकर डेटा, देखिए बटन को हमने ठीक नहीं किया हुआ, तो बटन ठीक करना तो आसान काम है, बटन ठीक करना बिल्कुल आसान काम है, सबसे ईजी तो यही है। यहाँ पर आइए, क्लास इसमें लिखिए, क्या देना है, BTN प्राइमरी, और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो यहाँ आपको मिल जाएगा देखिए सबमिट का बटन। अब और क्या करना है, अभी अगर सबमिट में क्लिक करूँ मैं तो ये HTML का जो अपना है वह मिल रहा है हमें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नो वैलिडेट करके बैकएंड का जो एरर है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ आना है फॉर्म में और यहाँ नो वैलिडेट ऐसे लिखिए, सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए और सबमिट में क्लिक कीजिए। देखिए हमें यहाँ पर अभी एरर नहीं मिल रहा, एरर नहीं मिल रहा क्योंकि हम लोगों ने इसका वैलिडेशन का लिखा हुआ नहीं है। कोई नहीं, वो सारा कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इतना तक तो हमने कर लिया, हमने क्या क्या किया इसमें, हमने इसमें किया साइनअप पेज लिखा, हमने फॉर्म बना लिया, हमने बूटस्ट्रैप का सारा काम कर लिया, बटन बना लिया, और नॉन फील्ड एरर जो होंगे उसको दिखाने के लिए हमने ये कोड भी लिख दिया हुआ है। तो साइनअप का पेज हमारा ओवरऑल तैयार है, मतलब फ्रंट एंड का सारा कोड हमने लगभग कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं लॉगिन का पहले बना लेता हूँ, फिर हम लोग व्यू में आएंगे और इसका बैकएंड का कोड लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए login.html यहाँ आना है और व्यू में लॉगिन के लिए हमें एक फॉर्म मिलता है ऑथेंटिकेशन फॉर्म, लेकिन ऑथेंटिकेशन फॉर्म को हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप यूज़ करना है। इसलिए हम लोग अपना फॉर्म पहले बनाएंगे, यहाँ पर इसको कस्टमाइज़ करेंगे। तो पहले हमें इसको इम्पोर्ट कर लेना है यहाँ से, ऑथेंटिकेशन फॉर्म इम्पोर्ट कर लिया और सिंपली इस पूरे को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर इतना हमें चाहिए नहीं, इसमें हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ये हमारा लॉगिन फॉर्म बन जाएगा जो इनहेरिट करेगा ऑथेंटिकेशन फॉर्म को। इस फॉर्म में मॉडल का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा कोड है वो बेकार है, हमने बेकार में एक्चुअली इसको कॉपी पेस्ट किया, पूरा तो डिलीट करना पड़ ही गया। हमें एक यूज़र नेम, ये सिंपल सा फॉर्म API का यूज़ करके बनाया गया है, ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो आप देख रहे हैं ये फॉर्म API का यूज़ करके बनाया गया है, इसलिए मॉडल का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग इसको ओवरराइड कर रहे हैं इस तरीके से लिख कर। तो यूज़र नेम लिखना है, यूज़र नेम फील्ड होता है इसका एक अपना प्री डिफाइंड है, मतलब इसने डिफाइन किया हुआ है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अभी हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा वरना ये हमें एरर दे देगा, तो क्योंकि ये बनाया हुआ है जेंगो का। और ये आपको मिलेगा यहीं पर इसी फॉर्म के पास में, तो सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ये सब मैं कहाँ से देख रहा हूँ पता है, कि यूज़र क्रिएशन फॉर्म है, ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, यूज़र फील्ड है, ये सब मैं देख रहा हूँ उस लोकेशन पर जाकर मैंने जहाँ आपको बताया था। कहाँ पर बताया था मैंने, मैंने आपको बताया था कि सी ड्राइव में जाना है, देन यूज़र में जाना है, देन RK में जाना है, देन यहाँ से आपको ऐप डेटा हिडन फोल्डर को पहले हाई
शो कर लीजिएगा, उसके बाद ऐप डेटा मिलेगा यहाँ से लोकल में, लोकल के बाद आपको मिलेगा यहाँ से प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन लिब, लिब्स नहीं लिब, उसके बाद यहाँ से साइट पैकेजेस, देन यहाँ से जेंगो, यहाँ से ऑथ नहीं कॉन्ट्रीब, कॉन्ट्रीब के बाद ऑथ, ऑथ के बाद यहाँ पर फॉर्म्स है, ये मॉडल्स हो गया फाइल और ये फॉर्म्स हो गया, यहीं पर सारे लिखे हुए हैं जो कि मुझे पता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा तो आपको भी पता होगा। तो यहीं से मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ कि मुझे क्या बनाने के लिए क्या आवश्यकता पड़ रहा है, और मैं इसको इम्पोर्ट करता जा रहा हूँ। ओके जी, तो ये हमारा हो गया यूज़र फील्ड, और यहाँ पर बस हमें विजिट लिखना है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास इसमें ऐड कर सकें, और कोई मकसद नहीं है इसका। फॉर्म्स डॉट, ये हमारा टेक्स्ट इनपुट होगा, और टेक्स्ट इनपुट में हम लोग लगाएंगे ATTRS, और यहाँ पर एक पहले से इसका है ऑटो फोकस, तो उसको लिख देना है ऑटो फोकस, जो कि ट्रू होगा, और हमें अपना वाला लगाना है जो कि हमारा क्लास है बूटस्ट्रैप का, तो क्लास लिखना है, और ये हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल। ओके जी, एक ये हो गया, अभी हम लोग एक दूसरा करेंगे जो कि हमारा पासवर्ड का होगा। सिंपली यहाँ पर आपको आना है, पासवर्ड लिखना है, ये यूज़र फील्ड नहीं होगा, ये हमारा फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, और ये विजिट, पहले इसका लेबल चेंज कर देता हूँ मैं, लेबल इक्वल जो डिफॉल्ट लिखा हुआ वही सब लिख रहा हूँ, अंडरस्कोर देकर पासवर्ड लिखा हुआ, वरना इसका लेबल हम लोग यहाँ नहीं देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। देन इसमें एक और है स्ट्राइप इक्वल फॉल्स लिखा हुआ, तो ये भी मैंने लिख दिया। ओके, आप जाकर देखेंगे इस ऑथेंटिकेशन फॉर्म में तो ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। हमने बस अपना खुद का क्या लिखा, हमने बस अपना खुद का इसमें ये वाला ATTRS के अंदर क्लास ये फॉर्म कंट्रोल लिखा, बाकी सब इसका पहले से डिफाइन था जो हमने यहाँ पर फिर से बस लिख दिया हुआ है। तो ये कैर फील्ड हो गया पासवर्ड के लिए, लेबल पहले से डिफाइन है, ये फॉल्स विजिट फॉर्म डॉट, यहाँ पासवर्ड इनपुट नहीं बल्कि हो जाएगा हमारा, सॉरी टेक्स्ट इनपुट नहीं बल्कि ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड इनपुट। ATTRS में ऑटो कम्प्लीट एक इसके अंदर रहेगा, तो ऑटो कम्प्लीट यहाँ हमें लिखना है, ऑटो कम्प्लीट, और ऑटो कम्प्लीट में इसका वैल्यू हो जाएगा करंट पासवर्ड, देन हमारा क्लास बूटस्ट्रैप वाला एज इट इज़ रहेगा। अभी यहाँ पर आपने लिखा हुआ है अंडरस्कोर, तो इसको अगर आप सेव करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, इसको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या, तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी पहले से लिखा हुआ, तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये आप जाएंगे इस जगह पर, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्या है, बट उतना हमें जानकारी नहीं चाहिए तो हमें उतना जानने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया, सेव कर दिया। देखिए ये सब कुछ आपको पता कैसे चलेगा, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये मैंने कहाँ से ढूंढ के निकाला, तो बस वहीं जाना है लोकेशन पर, वो देखिए सब फाइल में जाकर, फॉर्म्स वाले फाइल में जाकर देखिए कि ये वाला कहीं लिखा हुआ है, बस उसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, क्योंकि इसने इस फॉर्म को बनाते वक्त इसका यूज़ किया होगा, तो इस फॉर्म को जहाँ बनाया है वहाँ इसने इसको इम्पोर्ट ज़रूर किया होगा, तो वहाँ से कॉपी करके आपको भी यूज़ करना है, तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आपको बस पेस्ट कर देना है, सिंपल तरीका है। तो लॉगिन फॉर्म हमारा यहाँ पर कस्टमाइज होना ख़त्म हो जाता है, ये हमारा कस्टमाइज हो गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें अपना सिंपली व्यू में आना है और लॉगिन में चलाइए, लॉगिन यहाँ हमारा लॉगिन है, यहाँ पर फॉर्म लिखिए इक्वल लॉगिन फॉर्म, आपको मिलेगा नहीं क्योंकि हमने इम्पोर्ट किया नहीं है, तो साइन अप फॉर्म इम्पोर्ट किया है, लॉगिन फॉर्म भी इम्पोर्ट कर लिया, चलिए बढ़िया। और अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉगिन फॉर्म, और आप सिंपली इसको करेंगे यहाँ से भेजेंगे लॉ फॉर्म, और ये की बन जाएगा फॉर्म डॉट एच टी एम एल, सॉरी लॉगिन डॉट एच टी एम एल में यहाँ पर आपका बन जाएगा ये फॉर्म डॉट एज, इसको पी, एक और हमने नहीं लिखा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर हमें साइनअप वाला तो हमारा सही तरीके से, लॉगिन में क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला हमारे मिल जा रहा है। अभी
कंट्रोल हमारा बढ़िया बना हुआ है इसलिए हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे हमने साइनअप पेज को किया था बिल्कुल वैसे ही। तो मैंने क्विकली कोड लिख लिया फॉर्म का, देखिए लॉगिन के लिए देख लीजिए यहाँ पर कि फॉर्म लिखा, मेथड इसका दिया है नो वैलिड, मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है सी एस एफ टॉकन हमने लिख दिया, फॉर्म में से एफ एम आएगा, फिर फॉर्म ग्रुप के अंदर में ये होना चाहिए था, हमने इस तरीके से लिखा। उन्होंने बूट स्ट्रैप भी मैंने लिख दिया इस बार हर एक के लिए, फिर मैं हटा देता हूँ बूट स्ट्रैप अभी के लिए, वरना आप कहेंगे कि क्या क्या लिख रहा है पता नहीं चल रहा। स्मॉल टैग भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये सारी चीज़ें बाद में देख लेंगे। ओके जी, तो हमने एरर दे दिया, डिव दे दिया, और यहाँ पर हमारा बटन है, बटन प्राइमरी लॉगिन का बटन, और ये हमारा यहाँ से नॉन फील्ड का एरर पी के अंदर में मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारा बन गया, अभी हम लोग इसको देखेंगे रिफ्रेश करके, देखिए हमारा कुछ इस तरीके से यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है। वैलिड नहीं लगाया तो हमें कोई काम नहीं कर रहा वैलिडेशन वाला। तो साइनअप पेज हमारा बन गया, देखिए होम बना हुआ है, अबाउट बना हुआ है, कॉन्टेक्ट बना हुआ है, डैशबोर्ड बनाना बाकी है, साइनअप बन गया है, लॉगिन बन गया, फ्रंट एंड का काम हो गया है। साइनअप कंप्लीट तभी होगा जब यूज़र यहाँ पर अपना डेटा डालेगा और साइनअप में क्लिक करेगा, सबमिट की जगह पर साइनअप हमें लिख देना है, यहाँ क्लिक करेगा तो इसका आईडी बन जाना चाहिए। देन लॉगिन तभी पूरा होगा जब यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद ये इस डैशबोर्ड में चले आना चाहिए। तो ये काम हमें करना है, पहले साइनअप का काम ख़त्म करते हैं। तो आते हैं व्यू में, यूज़र जब साइनअप करेगा, डेटा डालेगा यहाँ पर, सबमिट में क्लिक करेगा तो ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। तो पहले चेक कर लेना है कि क्या हमारा ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल इक्वल पोस्ट, अगर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट तभी आएगा जब डेटा भरेंगे और सबमिट में क्लिक करेंगे तब, तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है तो क्या करना है, तो फॉर्म इक्वल साइनअप फॉर्म में जो डेटा रहेगा वह भी, यानी कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डेटा के साथ आपको डेटा को चेक करना है। तो इफ़ फॉर्म डॉट इज वैलिड, अगर फॉर्म में जो डेटा आ रहा है वह अगर वैलिड है तो आप क्या करेंगे, या तो क्लीन डेटा आप लेकर सेव कर लीजिए या फिर डायरेक्टली ऐसे ही सेव कर लीजिए, मैं यहाँ डायरेक्टली सेव कर देता हूँ। तो फॉर्म डॉट सेव ऐसे करके मैंने सेव कर दिया, तो हमारा डेटा सेव हो जाएगा, हमारा आईडी क्रिएट हो जाएगा। अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आता है, गेट रिक्वेस्ट आता है तो क्या होगा, एल्स पार्ट में चला आएगा और एक ब्लैंक फॉर्म जब तक हमें बन के मिल रहा था वह हमारा जनरेट होगा और वह हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल सा काम हो गया, ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, साइनअप का हमारा काम ख़त्म हो जाता और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कीजिए। अब अगर आप इसमें सबमिट में क्लिक करेंगे तो ये HTML5 का भी वैलिडेशन दे रहा है, हम लोग वो HTML5 का वैलिडेशन बंद कर देते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साइनअप पेज में यहाँ पर और अपने फॉर्म में यहाँ पर लगाना है नो वैलिडेट, हालांकि बंद नहीं करते हम लोग, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको बंद कर लिया क्योंकि मुझे कुछ दिखाना है आपको, इसीलिए नो वैलिडेट लिखा, रिफ्रेश, सबमिट में क्लिक करेंगे, ठीक है, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये फील्ड रिक्वायर्ड है, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये फील्ड पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड है और ये कन्फर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड। इसका कलर चेंज करना है मुझे, एरर का कलर, तो कैसे करूँगा, तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। यहाँ पर आना है आपको, जो एरर मैसेजेस हैं वह यहाँ पर आ रहे हैं इस एरर मैसेज से, ठीक है, इस वाले से। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक टैग के अंदर डाल देंगे, स्मॉल टैग के अंदर मैं इसको डाल रहा हूँ, स्मॉल टैग बनाया हमने, देन इसको कट करते हैं और सिंपली इसको डाल देंगे इसके अंदर में, ओके। और यहाँ पर हम लोग एक बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ करेंगे स्मॉल टैग के अंदर में, और सिंपली ये क्या करेगा, टेक्स्ट को बना देगा वार्निंग, टेक्स्ट को वार्निंग बनाएगा, वार्निंग यानी कि ऑरेंज कलर में, तो जो भी एरर आएगा वह हमें अब ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। इसको मैंने किया है रिफ्रेश और सबमिट में क्लिक करते हैं, देखिए अब हमें स्मॉल टेक के अंदर ही ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। आप अगर लाल कलर में चाहते हैं तो आप डेंजर लिखिएगा, टेक्स्ट डेंजर यहाँ पर को लाल कलर में दिखाई देगा।
जो नॉन फिल्ड एरर्स हैं उनको देखना है। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र नेम, नेम लिखा, लास्ट नेम, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा और मैंने यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कुछ भी लिख दिया और मैंने सबमिट में क्लिक किया, तो ये हमें क्या बोल रहा है, इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, टू पासवर्ड फील्ड्स डिडंट मैच। एक वैलिड ईमेल एड्रेस लिखते हैं हमने .com ऐसा लिख दिया और हम लोग यहाँ पर कोई भी पासवर्ड और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड ले लेते हैं और सबमिट में क्लिक किया, तो अभी हमारे ईमेल तो सही है बट ये दो पासवर्ड मैच नहीं करने की वजह से हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये इसमें वैलिडेशन लगा हुआ है जो कि हमारा काम कर रहा है। अगर हमारा कोई नॉन फील्ड एरर आता है तो वह भी हमें इससे दिख जाएगा, बट इसको हम लोगों ने सिंपल रखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का अलर्ट इसमें दे देते हैं, क्लास इक्वल अलर्ट और यह अलर्ट डेंजर इसमें दे देते हैं लाल कलर से, ये हमें दिखाई देगा डेंजर और ये चिपक जाएगा बटन के साथ, इसीलिए हम लोग इसमें एम वाई यानी कि ऊपर नीचे टॉप और बॉटम में 3 का मार्जिन दे देते हैं। बस इतना आपको करना है और आपको कुछ भी नहीं करना, सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश और हमारा काम खत्म। यहाँ साइनअप पेज लिखने के बजाय मैं लिख देता हूँ बिकम एन ऑथर, तो यहाँ साइनअप पेज हटा देते हैं, लिखते हैं बिकम एन ऑथर, सेव कर दिया। जब साइनअप में सक्सेसफुली ये साइनअप हो जाए तो यहाँ एक मैसेज आना चाहिए कि आपने सक्सेसफुली साइनअप, आप सक्सेसफुली बन गए हैं एक ऑथर, आप महान हैं, ऐसा करके कोई मैसेज आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ से एक मैसेज पास करना पड़ेगा और मैसेज पास करने के लिए हमें मैसेज फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें मैसेज को पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा जो कि है हमारा फॉर्म फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब इम्पोर्ट मैसेजेस। तो हमने इसको इम्पोर्ट कर लिया, हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद आपको एक मैसेजेस डॉट सक्सेस और यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वेस्ट और क्या मैसेज देना है वो आपको यहाँ पर लिखना। तो मुझे मैसेज देना है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बिकम एन ऑथर, बस ये मैसेज मुझे दे देना है। तो ये हमारा जब सक्सेसफुली सेव होगा तो हमारा ये मैसेज यूज़र को दिखाई देगा कि वह एक ऑथर बन गया, तो वह हैप्पीली हमारे वेबसाइट हमारे ब्लॉग के लिए पोस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये हमारा साइनअप का फॉर्म हो गया। ओके जी, इतना तक तो समझ में आ गया होगा हम लोगों को, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ साइनअप का काम किया। इसको रिफ्रेश कीजिए, एक हम लोग यूज़र रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। यूज़र नेम रखता हूँ मैं सोना, फर्स्ट नेम सोनम, लास्ट नेम कुमारी और सोना एट गिक डॉट कॉम, इसकी ईमेल आईडी और पासवर्ड इसका गिक की सोज और कन्फर्म पासवर्ड भी गिक की सोज और मैंने सबमिट में क्लिक किया। देखिए मैं कह रहा है कि इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, मैंने यहाँ कॉमा लिख दिया है इसी वजह से हम बोल रहा है ये। उसके बाद हमें फिर से पासवर्ड लिखना पड़ेगा गिक्की सोज, कन्फर्म पासवर्ड गिक्की सोज और सबमिट में क्लिक किया। ओके, सबमिट में क्लिक किया, हमारा अकाउंट तो क्रिएट हो गया बट हमें यहाँ मैसेज दिखाई नहीं दे रहा। तो मैसेज दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई, क्योंकि हमने यहाँ पर मैसेज के दिखाने के लिए कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं इस H3 के नीचे, यहाँ पर पहले चेक कर लेना है कि क्या मैसेज आ रहा है। तो इफ़ मैसेजेस, अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो फॉर लूप लगाना है, हमने ये पढ़ा हुआ है मैसेज फ्रेमवर्क, हमने पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई फॉर लूप यूज़ करना ही पड़ता है। तो फॉर मैसेज इन मैसेजेस और यहाँ पर फॉर को एंड कर देते हैं, पी टैग लगाते हैं एक और इसमें हमारा मैसेज डिस्प्ले होगा। बट उससे पहले कुछ चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि पहले चेक करना है इफ़ मैसेज डॉट टैग्स अगर है तो क्लास में क्या कर दो, बूटस्ट्रैप वाला डाल रहा हूँ मैं अलर्ट और अलर्ट डेंजर, डेंजर की जगह पर ये हमारा सक्सेस होकर ऑटोमेटिकली आएगा। सक्सेस होने पर सक्सेस का टैग होता है मैसेजेस में, हमने फ्रेमवर्क में पढ़ा हुआ है उसका होता है सक्सेस। तो मैसेज
डॉट टैग्स अपने आप यहाँ पर चला जाएगा, आएगा सक्सेस, और इसका हम लोग मार्जिन बॉटम दे देंगे 5, वरना ये चिपक के आएगा। और यहाँ पर एंड इफ करना है हमें, इफ खोला हुआ है तो इफ को बंद भी करना पड़ेगा, एंड इफ। और हमने बस मैसेज लिख दिया, अभी हमारा ये काम हो जाएगा। बट हमने यहाँ पर एक और एंड इफ नहीं किया हुआ है, क्या हुआ क्या, एक एंड इफ हमने यहाँ पर किया, एक एंड फॉर हमने यहाँ पर किया, एंड इफ नहीं किया। ये जो हमने इफ ओपन किया इसका हमने क्लोजिंग नहीं लिखा हुआ, एंड इफ, एंड इफ हमने कर दिया, ये हमारा ठीक है। अभी हम लोग इसको फिर से दोबारा से रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी वापस से करते हैं। राहुल लिखा मैंने यूज़र नेम, फिर राहुल कुमार और राहुल 8geek.com, फिर से कॉमा लिख दिया था मैंने geek.com, और सही पासवर्ड सेम गीकी सोस, पासवर्ड गीकी सोस, और सबमिट में क्लिक। देखिए आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बिकम एन ऑथर। और बस मस्ती में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई हैं यहाँ पर, एक कर्ली मुझे ज़्यादा लग रहा है, एक यू में ओ कैपिटल, इसको फिक्स कर लेते हैं। तो ये है जी हमारा साइनअप का फॉर्म काम कर रहा है, बट देखना पड़ेगा डेटाबेस में जाकर कि वाकई में यूज़र वहाँ सेव हो रहा है या नहीं। तो एडमिन में चलते हैं, एडमिन लॉगिन किया, यूज़र में जाना है, दो यूज़र यहाँ दिखना चाहिए, एक सोना दिख रहा है और एक राहुल, बढ़िया दो यूज़र नेम हमारा सेव हो गया, लेकिन इनको स्टाफ का स्टेटस नहीं मिला हुआ, याद रखिएगा। ओके, तो साइनअप का फॉर्म हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कुछ मिस्टेक्स हैं लिखने में, जैसे हमारा मिस्टेक है एक यहाँ पर मैसेज लिखने में, यू का ओ के स्मॉल में होना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ से ठीक हो जाता है, हमारा साइनअप का काम ख़त्म। अब हम लॉगिन करने का काम हमें करना, तो लॉगिन करने के लिए लॉगिन का फॉर्म यहाँ हाजिर है हमारा, तो लॉगिन में पहले चेक करना है कि लॉगिन कौन कर सकता है जो कि पहले से लॉगिन नहीं है। तो लोग यहाँ पर कर देंगे इफ़, या फिर पहले मैं आपको पोस्ट वाला दिखा देता हूँ। जब लॉगिन फॉर्म कब होगा, जब कोई लॉगिन में क्लिक करेगा, डेटा भरेगा और लॉगिन में क्लिक करेगा, तब हमारा डेटा हमारे पास आएगा, तो वह चेक करेगा कि क्या इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट है। अगर है तो हमें अपना लॉगिन फॉर्म का डेटा लेना है और इसको ऑथेंटिकेट करना है, यूज़र को लॉगिन करवाना है, फिर इसको लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में भेजना है, ये सारा काम हमें करना है। तो हमारा डेटा मान लीजिए आ रहा है पोस्ट के थ्रू, हमने इसको चेक कर लिया कि पोस्ट के थ्रू आ रहा है, तो अब हमें फॉर्म इक्वल जो लॉगिन फॉर्म है हमारा वह साथ में रिक्वेस्ट ले लेना है, तो रिक्वेस्ट इक्वल रिक्वेस्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर डेटा भी लेना है, तो डेटा इक्वल हमारा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, दो चीज़ लेनी है। उसके बाद हमें फॉर्म को वैलिडेट करना है कि इफ़ फॉर्म इज वैलिड, इफ़ फॉर्म डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड है तो जो डेटा हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड फील्ड में आ रहा है उसको ये पहले स्टोर कर लेते हैं, ताकि हम लोग उसको ऑथेंटिकेट कर पाएँ। तो यू नेम फॉर्म में से क्लीन्ड डेटा, ऑटो कम्प्लीट क्यों नहीं हो रहा, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या हमने, हमारा क्या पहला है यूज़र नेम में आएगा, देन एक हमारा आएगा पासवर्ड में, यहाँ पर हमें लिख देना है यू पास। तो लॉगिन फॉर्म हमने फॉर्म बनाया, फिर हमने इफ लिखा वैलिडेट करने के लिए कि अगर वैलिडेट है तो क्या करो, क्लीन डेटा यूज़र नेम का, यानी कि अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे राइट क्लिक करके, तो पता चलेगा कि यहाँ पर एक नेम है, एक फील्ड का इनपुट फील्ड का नेम यूज़र नेम, तो ये हमने पकड़ लिया, पासवर्ड का नेम है पासवर्ड, तो हमने ये पकड़ लिया, ये दो चीज़ें हमने पकड़ी हुई हैं, और वही हमने यहाँ पर दोनों का क्लीन डेटा यू नेम और यू पास में डाल दिया हुआ है। हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे, ऑथेंटिकेट यूज़र नेम, ये डेटाबेस में लिखा होगा ऑथेंटिकेट कॉलम में, तो यूज़र नेम में यू नेम, यू नेम में जो आ रहा है वही यूज़र नेम में है या नहीं वो चेक किया जा रहा है, फिर पासवर्ड में यू पास, ये दोनों मैच करना चाहिए तो हमारा ऑथेंटिकेट होगा। अगर ऑथेंटिकेट हो जाता है यूज़र, तो हमें यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसको हम लोग इसमें स्टोर कर लेंगे, ऑथेंटिकेट
ये यूज़ करने के लिए हमें इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, हमने इम्पोर्ट इसको किया हुआ नहीं है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और इसको इम्पोर्ट करते हैं। फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीव डॉट ऑथ, यहाँ से हमें इम्पोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करनी है। मैं एक ऑथेंटिकेट यूज़र एक करना है इम्पोर्ट, फिर हमें अभी जरूरत पड़ेगी लॉगिन की, फिर जब लॉगआउट करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी लॉगआउट की, और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही मुझे याद आ रहा है। तो ऑथेंटिकेट और लॉगिन तो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑथेंटिकेट हमने यूज़ किया, अगर ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है तो हमें यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यूज़र में। देन यहाँ चेक करना कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, यानी कि यूज़र में ऑब्जेक्ट होगा तो ये नॉट नन होगा, उस केस में आपको लॉगिन का परमिशन देना है। तो लॉगिन यूज़ करेंगे जो हमने अभी इम्पोर्ट किया था उसको, इसमें रिक्वेस्ट और कौन सा यूज़र है, जो भी यूज़र है उसको हमें लॉगिन करने का परमिशन देना है। जब लॉगिन हो जाएगा तो एक मैसेज दे देंगे, तो मैसेज डॉट सक्सेस, मैसेजेस डॉट सक्सेस, और यहाँ पर रिक्वेस्ट, और जो मैसेज होगा वह होगा लॉग्ड इन, लॉग्ड इन सक्सेसफुल्ली। ओके, हमने ये मैसेज दे दिया, साथ में उसको हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे अगर लॉगिन हो जाता है तो, रिटर्न HTTP response redirect रिडायरेक्ट कर देना है, डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर देना है। तो डैशबोर्ड स्पेल सही रहना चाहिए वरना हो जाएगा गड़बड़, तो डैशबोर्ड हमने लिख दिया। तो पोस्ट में आएगा तो इतना सारा काम हो जाएगा, अगर पोस्ट में नहीं आता है मतलब आ गया वो गेट रिक्वेस्ट में, जब पहली बार चलेगा तो गेट में ही आएगा, तो उस केस में ये हेल्प पार्ट में आएगा और ब्लैंक फॉर्म यूज़र को, ब्लैंक लॉगिन फॉर्म देखने को मिलेगा जो हमने यहाँ पर दे दिया हुआ है। तो ये काम हो गया। अभी कोई अगर कोई लॉग यूज़र लॉगिन है तो हमें वो भी वेरीफाई कर लेना है कि अगर अगर यूज़र लॉगिन है तो उसको वापस से लॉगिन पेज नहीं दिखाना है मुझे, मुझे उसको डायरेक्टली क्या करना है, डैशबोर्ड में भेज देना है। अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो हमें इस प्रोसेस को लेकर चलना है। तो यूज़र लॉगिन नहीं है, मान लीजिए यूज़र नॉट, इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि यूज़र जो हमारा है वो ऑथेंटिकेटेड नहीं, यानी कि लॉगिन नहीं है, तो उस केस में ये वाला पूरा काम करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तब, और अगर ऑथेंटिकेटेड यानी कि पहले से लॉगिन है तो उस केस में एल्स पार्ट में आओ, रिटर्न HTTP इसको रिडायरेक्ट कर दो किस किस्म कहाँ पर, डैशबोर्ड में, कि पहले से आप लॉगिन हैं तो आप लॉगिन क्यों ढूंढ रहे हैं भाई, मत ढूंढिए। इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये हमने पूरा कोड लिख दिया, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है पिछले कई वीडियो में, इसलिए मैंने एक साथ कोड लिख दिया सब। अभी हम लोग आते हैं लॉगिन पेज में, यानी कि साइनअप पेज हो गया, लॉगिन पेज में यहाँ पर आते हैं। मैसेज का पहले मैसेज हमारा कहाँ चला जाएगा देखिए, तो मैसेज यहाँ पर हमने लिखा हमारा डैशबोर्ड में चला जाएगा, डैशबोर्ड में हमें मैसेज प्रिंट करना है, लॉगिन में नहीं प्रिंट करना है। लॉगिन में क्या करना है, हम लोगों को ये एरर मैसेज जो है इसको हमें थोड़ा बूटस्ट्रैप देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये देखिए हमने किया हुआ था साइनअप पेज में, बस उसी को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, सेव हो गया। हमने एरर मैसेज के लिए भी, नॉन एरर फील्ड के लिए भी किया हुआ था यहाँ पर, इसको भी मैं कॉपी करके, ये रहा कॉपी, और यहाँ हमने कर दिया इसको पेस्ट। ओके, अभी हमारा लॉगिन सही तरीके से काम करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वैलिडेट करके इसको, ये सही तरीके से काम करा या नहीं। लॉगिन रिफ्रेश किया, लॉगिन में क्लिक किया तो हमें मिल जाता दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर यूज़र नेम कुछ भी लिख दिया, पासवर्ड कुछ भी लिख दिया, लॉगिन में क्लिक करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्लीज़ इंटर अ करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, नॉट दैट बोथ फील्ड्स मे बी केस सेंसिटिव। तो ये हमें नॉन फील्ड एरर मिल रहा है, लेकिन इसमें हमारा बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा, बूटस्ट्रैप काम करना चाहिए था इसमें। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये हमने अल्टर लिखा हुआ, ठीक जी, अलर्ट लिखना। तो इसी तरीके से हमने साइनअप में भी प्रॉब्लम किया होगा, यहाँ पर देखिए अल्टर लिखा हुआ, ये होना चाहिए अलर्ट। अब हमारा ये सही तरीके से काम करेगा। तो पासवर्ड कुछ भी लिख दिया, लॉगिन में क्लिक करेंगे, देखिए अब ये हमारा क्लियरली दिख रहा है। ओके जी,
तो चलिए अब सही सही पासवर्ड डालते हैं। सोना ही यूज़र थी हमारी, जिसका पासवर्ड था गिकी सोस, और लॉगिन में क्लिक किया तो हमें डैशबोर्ड पेज में डायरेक्ट कर रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो उसके बाद आप लॉगिन में दोबारा नहीं जा सकते। अगर आप अभी लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये आपको वापस से डैशबोर्ड में ही भेज देगा। ये कैसे होता है? ये हो रहा है इस वजह से, आपने एक बार लॉगिन कर दिया, ये चेक करता है व्यू में। जब आप URL हिट करते हैं तो ये व्यू में चेक करता है कि अगर नॉट ऑथेंटिकेटेड है तो ही ये चलेगा, यहाँ से यहाँ तक का कोड। अगर ऑथेंटिकेटेड है यानी कि लॉगिन है पहले से, तो ये इफ से यहाँ एल्स में चला आता है और ये आपको डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट करता है। तो ये है पूरी कहानी लॉगिन की। तो सैंगअप का गेम हमने कर दिया और हमने लॉगिन का गेम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि होम पेज जो हमारा है, जो कि इसको स्टैटिक डेटा लेकर रखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा डायनेमिक कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक पोस्ट किया हुआ है अपने ब्लॉग में बट वो हमें दिख नहीं रहा यहाँ पर, इसको डायनेमिक कर देते हैं। अभी मैं इसको अगर लॉग आउट कर देता हूँ, लॉग आउट हमारा होगा नहीं एक्चुअली में, हम लोग चलिए लॉग आउट को पहले बना लेते हैं, क्योंकि लॉग इन के बाद लॉग आउट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो लॉग आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लॉग आउट करने के लिए पहले लॉग आउट में आते हैं, व्यू लॉग आउट कहाँ गया, लॉग आउट यहाँ पर। कुछ नहीं करना होता है इसमें, इसमें सिंपली क्या करना है, एक लॉग आउट का हमारे पास फंक्शन है लॉग आउट, और ये रिक्वेस्ट, बस आपको ये लिखना है। और रिडायरेक्ट तो हमने किया हुआ है होम में, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। लॉग आउट का हमने पहले से यहाँ इंपोर्ट करके रखा हुआ था, बस इतना ही करना है। अभी हम लोग इसको यहाँ पर जाते हैं और लॉग आउट में क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा लॉग आउट हो गया। एडमिन में आ गए हम लोग, यहाँ से एडमिन और एडमिन और लॉग इन किया। एक हमारा पोस्ट है यहाँ पर किया हुआ, इसको मुझे अपने होम पेज में यहाँ पर दिखाना। तो कैसे दिखाएंगे? बेहद ही ईजी है, एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा हमें। हमारा होम कहाँ गया भाई? हमारा होम यहाँ पर है। क्या करना है? पोस्ट्स इक्वल पोस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा हमने इंपोर्ट नहीं किया है। पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, यानी कि पोस्ट मॉडल में से सभी को निकालो और पोस्ट में डाल दो। देन इसको सिंपली हम लोग पास कर देंगे इस टेम्पलेट में। तो यहाँ लिख दीजिए पोस्ट पोस्ट्स और यहाँ पर पोस्ट्स, यानी कि ये वाला जो पोस्ट था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। की में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ जो लिखेंगे वही आपको टेम्पलेट में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाम हम लोग सिंपल रखते हैं, इसलिए सेम रखते हैं। ये पोस्ट हमने इम्पोर्ट नहीं किया है, ये पोस्ट हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए इम्पोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम करेंट मॉडल्स से इम्पोर्ट कर लो पोस्ट को। ओके जी, तो ये हमारा पोस्ट जो भी आएगा, इससे जो भी ये पोस्ट होगा वह सारा पोस्ट हमारा पोस्ट में चलाएगा, वह हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर। अभी हमें ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसमें से हम लोग दे लेंगे टाइटल हमारा। ये टाइटल कैसे निकलेगा? हमारा टाइटल निकलेगा पोस्ट डॉट टाइटल, इससे हमारा टाइटल चलाएगा। उसी तरीके से जो लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन वह चलाएगा, कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा पोस्ट डॉट DESC। ये टाइटल और DESC कहाँ से लिखा मैंने? अगर आप मॉडल्स में जाएंगे तो देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ था टाइटल DESC, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको एक्सेस कर रहे हैं। सेव किया इसको, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये तो हमें ब्लैंक दिखाई दे रहा है। ओके, हमने एक मिस्टेक किया है यहाँ पर, हमने फोर लूप के अंदर इसको नहीं लिखा हुआ, बिकॉज ये तो हमारा पोस्ट्स है, इसके अंदर बहुत सारे होंगे। ओके, तो हमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जंबोट्रॉन का यूज़ करके उसको डायरेक्टली बढ़िया तरीके से दिखा देते हैं। तो हमें हर एक पोस्ट में एक जंबोट्रॉन बनाना है, तो हम लोगों को फोर लूप यहाँ लगाना पड़ेगा। फोर पोस्ट इन पोस्ट्स, यानी कि बहुत सारे पोस्ट में से एक पोस्ट निकालो और उसका एक टाइटल मुझे चाहिए। तो यहाँ पर पोस्ट का टाइटल चाहिए, फिर पोस्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसे करना है। और हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, नहीं यहाँ से यहाँ तक का कोड है ये, और फोर को एंड कर देना है, एंड फोर। सेव कीजिए। अभी देखिए, अभी हमारा ये दिखना चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारा लर्न जेंगो ईजी वे और ये डिस्क्रिप्शन में जो था वो डेटाबेस से अभी पॉपुलेट होकर दिख रहा है। अभी हम लोग एक नया पोस्ट करते हैं कि लर्न पाइथन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये टेक्स्ट हमने लिख दिया और मैंने सेव में क्लिक किया।
तो ये दूसरा हमारा हो गया लर्न पाइथन। अब इसको रिफ्रेश कीजिए होम में, लेकिन दूसरा हमारा पोस्ट अपने आप हमें डेटाबेस से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पहला पोस्ट, ये दूसरा पोस्ट कीजिए, तो होम पेज का भी काम ख़त्म हो जाता है। अबाउट का काम ख़त्म है, कॉन्टैक्ट का काम ख़त्म है, लॉगआउट का काम ख़त्म हो गया है। हमने लॉगआउट किया, लॉगआउट करेंगे तो आप होम पेज में चले जाएंगे। संग का काम ख़त्म हो गया है, लॉगिन का काम ख़त्म हो गया। अब बाकी रह गया है मेन काम हमारा डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड का काम करने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे लॉगिन में हम लोग लॉगिन कर दें, मान लीजिए कि सोना नाम से मैंने लॉगिन किया, सोना गिकी सोस, और मैंने लॉगिन हो गया, तो मुझे यहाँ अभी भी लॉगआउट तो ठीक है, डैशबोर्ड भी ठीक है, लेकिन साइन अप लॉगिन अभी भी दिख रहा है। हालांकि लॉगिन नहीं होगा लेकिन दिख तो रहा है, बट साइन अप और लॉगिन नहीं दिखना चाहिए। जब लॉगिन है बंदा तो लॉगिन और साइन अप क्यों दिखा रहा है उसको, अब बस डैशबोर्ड और लॉगआउट दिखाइए। तो ये कैसे करते हैं ये ज़रा देख लीजिए, कि जो बंदा लॉगिन होगा उसको साइन अप और लॉगिन नहीं दिखना चाहिए, और जो बंदा लॉगिन नहीं होगा उसको डैशबोर्ड और लॉगआउट नहीं दिखना चाहिए। तो ये कैसे करते हैं ये देख लीजिए, इसको ये बेहद ही आपको नेविगेशन वाले पेज में जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें जाना है नब बार डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर बस हमें एक छोटा सा कोड लिखना है, यहाँ पर एक इफ़ लिखना है हमें, और ये इफ़ कहेगा कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र यहाँ पर क्या, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र यहाँ एक वेरिएबल है जो हमें, जो बिल्ट इन वेरिएबल है जो जेंगो के द्वारा हमें मिलता है। यह हमें ये बताता है कि अभी करंट में कौन यूज़र हमारा लॉगिन है, अगर कोई यूज़र लॉगिन है तो उसका आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर नहीं है तो एनोनिमस यूज़र उसको माना जाएगा। तो यहाँ वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या कोई यूज़र ऑथेंटिकेटेड है यानी कि लॉगिन है, अगर है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा यानी कि लॉगआउट तक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर हम लोग इसको एंड इफ कर देंगे, एंड इफ, अगर है तो ये एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं है तो यहाँ एंड इफ नहीं करते हैं बल्कि यहाँ पर एल्स करते हैं। अगर नहीं है तो एल्स वाट में चलाएगा और ये वाला करेगा, और यहाँ पर हम लोग इसका एंड इफ कर देंगे। तो फिर से समझ लीजिए, अगर लॉगिन है ये चेक कर रहा है कि क्या कोई यूज़र लॉगिन है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है कोई, अगर है तो डैशबोर्ड दिखाई देगा, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा तो डैशबोर्ड और लॉगआउट दिखाई देगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है इस केस में, इफ़ नहीं चलेगा बल्कि एल्स चलेगा, और उसको साइन अप और लॉगिन दिखाई देगा। सेव किया मैंने इसको, सेव करने के बाद अभी हमारा एक लॉगिन है तो हमें डैशबोर्ड लॉगआउट दिखाई देगा। जैसे ही लॉगआउट करेंगे आप तो आपको साइन अप लॉगिन दिखाई देगा, क्योंकि कोई अब लॉगिन नहीं है। तो ये हमारा काम भी ख़त्म हो गया, नब बार का कोई काम नहीं कट कर दिया, होम का कोई काम नहीं कट कर दिया। हमें क्या करना है, होम हमारा क्लियर है, अबाउट क्लियर है, कॉन्टेक्ट क्लियर है, हमारा लॉगआउट क्लियर है, साइन अप क्लियर है, लॉगिन क्लियर है, हमारा एक डैशबोर्ड बाकी रह गया, और डैशबोर्ड में हमें बहुत सारा काम करना है। पहली बात तो ये कि डैशबोर्ड को कोई एक्सेस नहीं कर सकता बिना लॉगिन किए। अभी अगर आप देखेंगे हमने लॉगिन नहीं किया हुआ है, और यहाँ अगर हम डैशबोर्ड लिखें इस तरीके से डैशबोर्ड, तो हमारा डैशबोर्ड पेज एक्सेस हो जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे सिंपली कि इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अगर ऑथेंटिकेटेड है यूज़र तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये आपको रिटर्न करेगा डैशबोर्ड, वरना ये आपको एल्स पार्ट में लेकर जाएगा, यानी कि आप ऑथेंटिकेटेड नहीं हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप लॉगिन कीजिए महाराज, फिर आप आइए, यानी कि लॉगिन हमने रिटर्न छोड़ा हुआ है, यहाँ पर रिटर्न हमने छोड़ा हुआ, तो पहले आप लॉगिन कीजिए फिर आप हमसे बात कीजिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ऑथेंटिकेटेड है तो इसको डैशबोर्ड वाले पेज में आप भेज दीजिए, मतलब रेंडर कर दीजिए, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में चला आएगा, ये फॉल्स होगा तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा, और ये आपको डेट कर देगा लॉगिन में। तो अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद अभी लॉगिन नहीं है हमारा कोई, और हम लोग डैशबोर्ड एक्सेस करेंगे तो ये हमें लॉगिन में भेज देगा वापस से। और अगर लॉगिन में है सोना गिक्की सोज, और हमने लॉगिन कर लिया और हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड लिखेंगे, तो हमें ये डैशबोर्ड में ही रखेगा, ना कि लॉगिन में भेजेगा।
तो यही काम हमने यहाँ पर किया अभी अभी के लिए, यही सेम काम हम लोग कर हम लोगों ने किया था इधर कहीं किया था हमने यूज़र लॉगिन के लिए। अगर यूज़र लॉगिन यहाँ नहीं है तो उसको लॉगिन का पूरा प्रोसेस दिखाना, और अगर लॉगिन है तो उसको डैशबोर्ड दिखाना। तो यही उल्टा पुल्टा करके एक बार इधर से एक बार उधर से, और यही काम सेम काम हमें बार बार करना पड़ता है। तो ये एक हमने ऑथेंटिकेट कर लिया। अगर ऑथेंटिकेटेड है ये हमारा यूज़र तो हमें क्या करना है, हमें जो पोस्ट का डेटा होता है वह डेटा हमें डैशबोर्ड में दिखाना है, क्योंकि वो डेटा दिखाएंगे तभी उसमें एडिट डिलीट ऑपरेशन होगा। तो पहले इसको दिखाना है, तो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ये हमने होम में भी किया था। देन ये डेटा आपको भेज देना है यहाँ पर डिक्शनरी के फॉर्म में पोस्ट्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा पोस्ट्स, बस ये कीजिए। और ये आप पोस्ट डैशबोर्ड में देखिए, आपको डैशबोर्ड में ये मिल जाएगा। फॉर्म का भी कोई काम नहीं है, हालांकि काम है बट अभी नहीं है। डैशबोर्ड में यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको फोर लगाना पड़ेगा। पहले तो मैसेज, जो लॉगिन में हमने मैसेज छोड़ा हुआ था वह, यानी कि अगर आप यहाँ पर जाते हैं लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन है हमारा, देखिए हमने मैसेज लगाया था, ये मैसेज हमारा लॉगिन सक्सेसफुल डैशबोर्ड में ट्रांसफ़र होगा। डैशबोर्ड में वो मैसेज हमें दिखे उसके लिए हमें यहाँ पर मैसेज का कोड लिखना पड़ेगा फोर लूप के साथ, तो वह मैं यहाँ पर क्विकली लिख लेता हूँ। तो ये मैंने सिंपली लिख लिया ब्लॉक मैसेज इफ मैसेज, तो मैसेज हमें डिव में इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा एक अलर्ट है बूटस्ट्रैप का, जो डिसमिसेबल अलर्ट है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है बूटस्ट्रैप से, और ये सिंपली हमारा मैसेज ब्लॉक यहाँ से खत्म। ये मैसेज ब्लॉक है एक अलग सा जो हमने बेस में बना कर रखा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। देखिए हमने मैसेज ब्लॉक एक बना कर रखा था, इसी को मैंने ओवरराइड किया, ये 12 कॉलम का इस रॉ में बना हुआ है, ये अलग सा एक बना हुआ है, इसी को हमने यहाँ पर ओवरराइड किया, इसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ओके जी, तो हमें ये मैसेज मिल जाएगा अगर कोई लॉगिन करेगा सक्सेसफुली। तो मैसेज लॉगिन का तो काम ख़त्म हो गया। अभी हमें अपना मेन पार्ट में आना है, कंटेंट एरिया में, जो कि 10 कॉलम का है। इसमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है, और टेबल के फॉर्म में हमें जो पोस्ट है हमारा वो पोस्ट दिखाना है, जैसे एडमिन को दिखाई देता है बिल्कुल वैसे ही। तो क्विकली बनाता हूँ मैं इसको भी और आपको तुरंत समझाता हूँ। ओके, क्विकली मैंने इसको लिख लिया, आप समझ लीजिए कि ये है क्या। एच फोर में मैंने सिंपली लिखा हुआ शो पोस्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ बूटस्ट्रैप का मैंने क्लास लगाया, टेक्स्ट सेंटर अलर्ट अलर्ट इन्फो एम्प्टी मार्जिन टॉप 3, तो ये हमें दिखाई दे देगा। फिर इफ पोस्ट लिखा हुआ, यानी कि पोस्ट में से डेटा आ रहा है तो ही ये ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो हमारा टेबल बनेगा। और अगर डेटा नहीं आता है, डेटा कब नहीं आएगा, जब कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो उस केस में हमारा ये एल्स पार्ट में चला आएगा और आपको दिखाई देगा नो रिकॉर्ड्स। मान लीजिए कि डेटा आ रहा है, डेटा है हमारा, तो ये टेबल हमारा बन रहा है, बूटस्ट्रैप का टेबल है। टी हेड एक ही बार होगा तो हमने इसको लिख दिया है, इसमें विड्थ भी हमने सेट कर दिया हर एक के लिए, से आई डी के लिए 2%, टाइटल के लिए 28%, डिस्क्रिप्शन के लिए 55%, एक्शन के लिए 15%। देन टी बॉडी में हमने फोर लूप लगाया, पोस्ट में से पोस्ट एक एक निकाला जाएगा, पहले पोस्ट आई डी डाला जाएगा, फिर पोस्ट टाइटल, फिर पोस्ट डी एस सी, फिर हमने एक्शन वाला जो हमारा टी एच है उसके टी डी के लिए हमने बनाया हुआ एक बटन एडिट का, और एक और बटन बनाया है बट फॉर्म के साथ डिलीट बटन, क्योंकि डिलीट जब भी आप करते हैं आपको पोस्ट के साथ करना चाहिए, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ ज़्यादा सेफ होता है, इसी वजह से हमने फॉर्म का यहाँ यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बस आगे और कुछ भी नहीं है, फोर लूप बंद है, टी बॉडी बंद है, टेबल बंद है, और आगे कुछ भी नहीं। इसको अगर आप सेव करते हैं, और अगर सब कुछ बढ़िया रहा हमारा, तो हमें डैशबोर्ड में लॉगिन करने पर डेटा दिखेगा, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वही डेटा आपको दिखेगा बट टेबल के फॉर्म में। चलिए लॉगिन करते हैं, सोना गिक्की सोज और लॉगिन। तो देखिए हमारा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है शो पोस्ट इन्फॉर्मेशन, पहला पोस्ट और ये दूसरा पोस्ट, साथ में एडिट और डिलीट का बटन भी हमें दिखाई दे रहा है। ये क्लोज़ कर देता हूँ मैं और ये भी क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये हमें दिखाई दे रहा है। अभी दो बटन है हमारे पास, एक एडिट का डिलीट का, हमें एक और बटन चाहिए जो कि हमें यहाँ पर दिखाएगा ऐड पोस्ट, यानी कि पोस्ट को ऐड करने का तो ऑप्शन हमने दिया ही नहीं है, जो मेन काम है इस ऑथर का वह काम तो हमने इसको दिया नहीं, तो एक और बटन हमें बनाना पड़ेगा। तो एच फोर के ऊपर में एच थ्री के यहाँ नीचे यहाँ पर एक ए टैग लिखेंगे, अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
यहाँ पर सिंपली हम लिख देते हैं ऐड पोस्ट, और यहाँ पर बटन बनाना है, कुछ क्लासेस हमें लिखनी पड़ेंगी, btn btn सक्सेस, और सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो आपको यहाँ पर ऐड पोस्ट एक बटन मिलेगा। अच्छा, इधर साइड में प्रोफाइल भी दिखना चाहिए, तो वह हमने अभी तक केयर नहीं किया, तो साइड में प्रोफाइल दिखे हमारा, वो तो इजी होना चाहिए हमारे लिए, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है, उसको बाद में कर लेंगे, पहले इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे कि ऐड पोस्ट में क्लिक करने पर हमें एक फॉर्म मिलना चाहिए जिसमें हम लोग पोस्ट को ऐड कर सके। अभी हम लोग पोस्ट ऐड करते हैं एडमिन पैनल से, बट हमें इसी पैनल से ऐड करना है, तो इसके लिए एक फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। फॉर्म मॉडल हमारा क्रिएट है, पोस्ट का मॉडल हमारा टेबल बना हुआ है, उसी मॉडल से हम लोग मॉडल फॉर्म बना लेंगे, बस हमें इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा फॉर्म को बूटस्ट्रैप वाला क्लास लगाकर। और फिर हमें एक व्यू भी बनाना पड़ेगा, इसमें क्लिक होगा तो ऐड पोस्ट कॉल होना चाहिए, उससे हमारा व्यू फंक्शन एंटर होगा, हमें फॉर्म दिखाई देगा। सेम काम हमें एडिट के लिए भी करना पड़ेगा, एडिट में क्लिक करने पर हमारा फॉर्म एक मिलना चाहिए जिसमें डेटा पहले से हो, फिर वह हमारा अपडेट करने पर हमें काम करें, फिर डिलीट काम हम लोग काम करेंगे। डिलीट का काम ईजी रहेगा, ये दो काम पहले हमें करना है, ऐड और एडिट, पहले ऐड का काम करते हैं। याद रहे सब कुछ बनाने के बाद यहाँ URL हमें सेट करना पड़ेगा ऐड के लिए, और यहाँ एडिट के लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा, और डिलीट के लिए हमें एक्शन में यहाँ देना पड़ेगा। ये चीज़ पेंडिंग अभी भी, इसको हमें कर निकाल सकता है। व्यू में आते हैं, और व्यू में आने से पहले एक हमें क्रिएट करना पड़ेगा टैम्पलेट, जो कि होगा ऐड पोस्ट डॉट HTML। ये भी एक्सटेंड करेगा सब कुछ, तभी हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। ये तो बहुत सारा जलील कोड है, इसमें अगर एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग खो जाएंगे, तो हम लोग खुद का कोड लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। हमें पहले एक्सटेंड करना है, क्या एक्सटेंड करना है हमें अपना बेस टेम्पलेट, तो एक्सटेंड्स, और ये हमारा कहाँ, ये हमारा है ब्लॉग बेस डॉट HTML में जी, यही है ना, यही है। फिर हमें स्टैटिक लोड कर लेना है, अगर हम स्टैटिक यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें पहले प्रिपेयर रहना है लोड स्टैटिक, उसके बाद हमें कंटेंट एरिया सिर्फ इसमें यूज़ करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ब्लॉक कंटेंट, और इसी को पेस्ट करके एंड ब्लॉक कंटेंट ऐसे लिख देना है। ओके, अभी हम लोग इसके अंदर कंटेंट एरिया के अंदर में डिव बनाएंगे, क्योंकि डिव हमें इसी के अंदर में बनाना है, और रॉ बना हुआ है, कॉलम बना रहे हैं हम लोग, क्लास इक्वल कॉल SM10, ये हमारा बन गया। अभी हम लोग एक H3 बना लेते हैं, और H3 में लिख देंगे हम लोग कि हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग हैं डैश बोर्ड एड पोस्ट में। यह मैंने डायनेमिक नहीं किया, यह मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा एप्लीकेशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, वरना ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक तो नहीं होगा हमने, फिर मैं इसमें टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ, और इसमें हम लोग MY यानी कि टॉप और बॉटम से मार्जिन कर देते हैं 5, ये हो गया। और इसी को कॉपी पेस्ट करना है हमें, एक हमें बनाना है अपडेट पोस्ट, तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल अपडेट पोस्ट डॉट HTML, तो दोबारा से लिखना ना पड़े इसलिए मैंने पहले ही बनाकर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर अपडेट पोस्ट हो जाएगा ये अपडेट पोस्ट। तो हमने टेम्पलेट फाइल बना लिया हुआ है, बाकी और कोडिंग करेंगे अभी, और टेम्पलेट फाइल बना लिया हुआ, अब इसको हम इसके लिए हम लोग व्यू बना लेते हैं। तो नीचे आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर एड न्यू पोस्ट लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा एड पोस्ट व्यू फंक्शन का नाम रहेगा ऐड पोस्ट रिक्वेस्ट, और हम लोग पहले चेक करेंगे कि कोई यूज़र लॉग इन हो तभी इसको एक्सेस करे, वरना ना करे। तो मैं इसको बार बार दिखा नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये क्यों लिखा जा रहा है, यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, सॉरी इसमें ऐसे लिखना है ऑथेंटिकेटेड, तो हम लोग सारा काम करेंगे, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो हम लोग पोस्ट करने का यानी कि ऐड करने का काम देंगे, और अगर नहीं है उसके केस में ये else पार्ट में चला आएगा, और इसको हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, रिटर्न HTTP रिडायरेक्ट, कि पहले आप लॉग इन करो, तो लॉग इन, ओके जी। तो ये डायरेक्टली कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, इस ऐड पोस्ट को, इसका जो भी लिंक जनरेट होगा उसको।
इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं रिटर्न, अभी के लिए रिटर्न रेंडर, क्या रेंडर करेगा ये रिक्वेस्ट, और ये हमारा है ब्लॉग के अंदर एड पोस्ट, एड पोस्ट डॉट एच टी एम एल ये रेंडर करेगा, सही है। अब इसी तरीके से हमारा एक अपडेट के लिए भी बनेगा, तो यहाँ एड न्यू पोस्ट की जगह पर हम लोग कर देंगे अपडेट पोस्ट, और ये हमारा ऐड पोस्ट की जगह हो जाएगा अपडेट पोस्ट, और ये हमारा ऐड पोस्ट की जगह हो जाएगा अपडेट पोस्ट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब इसके लिए यूआरएल हम लोग लिख लेते हैं फटाक से, यहाँ पर आना है और यूआरएल लिखेंगे। अभी इसका यूआरएल लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ऐड पोस्ट का सेम होगा। तो लॉगआउट के बाद यहाँ पर पहले ऐड पोस्ट ये हमारा चला जाएगा, यहाँ से इसको हटा देना है, ऐड पोस्ट लिखना है, और इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका नाम हो जाएगा हमारा ऐड पोस्ट। इस तरीके से अपडेट के लिए, और एक हमें बनाना है डिलीट के लिए, बट अपडेट डिलीट में क्या हमें करना है, हमें डायनेमिक यूआरएल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस भी पोस्ट का एडिट बटन पर क्लिक हो तो उसका हमें डेटा चाहिए, तो हमें ये डायनेमिक बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ क्या करना पड़ेगा पता है, मैंने आपको बताया कि अपडेट डेटा लिखने दीजिए, मुझे पहले मुझे अपडेट डेटा ने अपडेट पोस्ट की डायनेमिक यूआरएल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंट आईडी। अब जो भी क्लिक करने पर आईडी होगा जो हम लोग पास करेंगे वहाँ से, वह आएगा यहाँ पर और ये चला जाएगा इसके व्यू फंक्शन में, यानी कि अपडेट पोस्ट में। अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ क्लिक नहीं कर रहा, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, मेरा पिछला वीडियो ठीक से देखा नहीं अपडेट पोस्ट, और ये डिलीट होगा तो हम लोग सिंपली इसको डिलीट, और यहाँ पर सेम इसी तरीके से इंट आईडी, यहाँ स्लैश दीजिए वरना ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ स्लैश दीजिए, और ये हमारा डिलीट पोस्ट का काम करेगा, तो डिलीट पोस्ट, और ये ऐड पोस्ट की जगह पर हमारा हो जाएगा डिलीट पोस्ट, सेव कर दिया इसको मैंने। ओके, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि नो एट्रिब्यूशन डिलीट पर, डिलीट पोस्ट का हमने व्यू क्रिएट नहीं किया है, क्रिएट कर लेते हैं, उसमें क्या है यहाँ पर अपडेट की जगह पर बस लिख देना है डिलीट पोस्ट, और ये वाला हमारा हो जाएगा डिलीट पोस्ट, और इसको मैंने सेव कर दिया। डिलीट पोस्ट का कोई टेम्पलेट नहीं होगा, वेंडर नहीं करेगा, इसका कोड हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे, इसका कोड बहुत ही इजी हमारा होगा। ओके, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली अगर ऑथेंटिकेटेड है और डिलीट कर पाता है तो ये डैशबोर्ड में डिलीट करने के बाद डायरेक्ट कर देगा, तो हमारा ये हो जाएगा। ये नहीं लिखना हमें, बल्कि हमें लिखना है HTTP रिस्पॉन्स, और ये डायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, हमें डैशबोर्ड में, और अगर ऑथेंटिकेट यूज़र नहीं तो ये चला जाएगा लॉगिन में। ये डिलीट पोस्ट हमने रफ व्यू लिखा हुआ है, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। यूआरएल हमने सबका बना लिया, अब हम लोग चाहें तो यहाँ पर आकर इनका यूआरएल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ऐड पोस्ट था हमारा डैशबोर्ड में यहाँ पर, तो ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ ना सिंपली %% URL, और यहाँ पर आपको लिख देना है ऐड पोस्ट। अब ऐड पोस्ट हमारा एक्टिव हो गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पर एडिट के लिए ये जो हमारा है %% और URL, और यहाँ पर हमें लिखना है क्या हमारा ये है अपडेट पोस्ट, और साथ में इसका आईडी भी हमें भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है post.id। उस तरीके से डिलीट के लिए यहाँ पर एक्शन में, फॉर्म एक्शन में %% URL, और ये हो जाएगा हमारा डिलीट पोस्ट। ये कहाँ से लिख रहा हूँ जी, मैं URL से लिख रहा हूँ, यहाँ से याद हो जाता है, आप जब टाइप करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अपडेट पोस्ट, डिलीट पोस्ट जो नाम है वह, जब आप अभी अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, जब आप खुद बनाना शुरू करेंगे तो आपके दिमाग में सब दन 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 काम करेगा, दन दन। तो ये हमने सारा लिंक भी ठीक ठाक कर लिया।
अभी बात है चीज़ों को रेंडर करने की। अभी हम लोग छोटा सा एक एग्जांपल एक टेस्ट करके देखते हैं। इसमें हम लोग डैशबोर्ड में मान लीजिए ऐड पोस्ट में क्लिक किया तो हम लोग ऐड पोस्ट वाले में ले चले जाते हैं। फिर एडिट में क्लिक किया तो हम लोग ओके यहाँ हमारा काम नहीं कर रहा, यहाँ हमारा काम नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग वन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं आईडी के थ्रू व्यू में, इसी वजह से। लेकिन हमारा बाकी सब कुछ ओवरऑल ठीक है, यानी कि वहाँ से एक आईडी आ रहा है जबको अपडेट में यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो वन यहाँ पर आएगा, फिर आप उस वन को यहाँ पर यूज़ कीजिए। वही वह कह रहा है यहाँ पर भी आईडी में भी आएगा वन, तो आप इसको भी यूज़ कीजिए। तो हमने इसको सेव कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर देखिए हमारा वन है, ये वन, तो वन ये जो वन है ये वन हमारा जाएगा यूआरएल में अपडेट पोस्ट वन, और ये जो आईडी है ये पास होगा हमारा इस व्यू फंक्शन में, यानी कि अपडेट वाले में यहाँ पर आईडी आता है और ये वन है, हर एक पोस्ट के लिए यूनिक रहेगा। अगर आपने वन आईडी वाले में क्लिक किया है एडिट में तो आईडी के पास वन आएगा, अगर टू वाले में क्लिक किया तो टू आएगा, और उसी का यूज़ करके हम लोग अपडेट करने का काम करेंगे। बट उससे पहले ऐड करने का काम ख़त्म करेंगे यहाँ ये वाला। ये तो हमें बस देखना था कि हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, नहीं ऐड भी काम कर रहा है, पेज हमारा चला रहा है, और एडिट करेंगे तो एडिट भी हमारा काम कर रहा है। डिलीट काम नहीं करेगा अभी क्योंकि डिलीट का हमने कोड नहीं लिखा और ये कहीं जाता भी नहीं है। तो इसलिए ऐड का काम करते हैं। ऐड का काम करने से पहले हमारा जो ब्लॉग का फॉर्म है जो हमने मॉडल के थ्रू बनाया हुआ है उसको हमें देखना पड़ेगा। ये URL हटा देता हमें, अभी इसका कोई काम नहीं होगा हमारा। जो हमने मॉडल बनाया हुआ ये पोस्ट टेबल जिससे बना होगा, इस मॉडल का यूज़ करके हम लोग मॉडल फॉर्म बनाएंगे। इसलिए मॉडल फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पर आना है और सिंपली आपको एक क्लास, और ये हमारा हो जाएगा पोस्ट फॉर्म, और यहाँ पर मुझे ये मॉडल फॉर्म है तो फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। देन हमें क्लास मेटा हमें यूज़ करना है कौन सा मॉडल, मॉडल हमारा अपना मॉडल है जो कि है पोस्ट मॉडल। ओके इसमें क्या क्या फील्ड मुझे चाहिए, फील्ड्स मुझे चाहिए इसमें, अरे फील्ड मुझे चाहिए इसमें टाइटल, जो मुझे फॉर्म में दिखना चाहिए वह टाइटल और DESC, ये दो फील्ड चाहिए। मैं लेबल अगर देना चाहता हूँ मैं लेबल दे सकता हूँ, लेबल्स, लेबल्स इसका क्या क्या होगा, लेबल्स इसका वो टाइटल, और टाइटल का लेबल हम लोग दे देंगे टाइटल, ये टाइटल ही होता है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट भी, बट कोई नहीं दे दिया तो दे दिया DESC, और इसका टाइटल हमें अपना खुद का देना है जो कि है डिस्क्रिप्शन। ओके तो ये हो गया। अभी बूटस्ट्रैप का हमने जैसे यहाँ पर क्लास ऐड किया हुआ है वैसे हमें क्लास यहाँ पर भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें वही करना पड़ेगा जो हमने अभी तक किया हुआ है। क्या करना पड़ेगा, विजिट्स टाइटल के लिए फॉर्म्स टेक्स्ट इनपुट और ATTRS में क्लास हमने फॉर्म कंट्रोल दे दिया, और DESC के लिए हमने टेक्स्ट एरिया, क्योंकि एक टेक्स्ट एरिया इसलिए हमने टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, ATTRS में हमने फॉर्म कंट्रोल दे दिया और हमारे यहाँ बंद। तो पोस्ट फॉर्म हमारा तैयार है, हमने पोस्ट यहाँ डिफाइंड बता रहा है तो क्योंकि हमने यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं किया तो हमें ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और ये हमारा अपना मॉडल है तो हम लोग फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट पोस्ट। चलिए अब ये हमारे एरर नहीं आएगा, तो आपको टर्मिनल में भी ध्यान रखना है कि एरर क्या आ रहा है। ओके जी, ऐसा नहीं कि बस बनाते जाना है बनाते जाना है। तो हमारा पोस्ट फॉर्म तैयार है, ये वाला फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे ऐड पोस्ट में, यानी कि यहाँ पर। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, व्यूज हमें यूज़ करना है तो पहले इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट करेंगे कैसे, फॉर्म से हमारा फॉर्म्स में यहाँ पर है पोस्ट फॉर्म लिखना है, पोस्ट फॉर्म, हमारे फॉर्म्स में से साइन अप फॉर्म हमने इम्पोर्ट किया था, लॉगिन फॉर्म अब हमने कर दिया हुआ है पोस्ट फॉर्म। ये हमारा इंडेंट नहीं है प्रॉपर तरीके से, आई थिंक तो ये इंडेंट नहीं है, हमें दे देगा एरर, इंडेंट हो गया। और हमारा व्यू यहाँ पर है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, कॉमा दिया पोस्ट फॉर्म, अब हमारा ऑटो कम्प्लीट हो रहा है। चलिए पोस्ट फॉर्म हमने यहाँ ले आया है, हम लोग लेकर आ चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको रेंडर कराएंगे। अगर हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है तो पहले चेक कर लो कि क्या इफ़ रिक्वेस्ट आ रहा है, यानी कि पोस्ट का डेटा फिलअप होकर आ रहा है, तो इफ़
रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट। अच्छा ये वाला पोस्ट जो है हमारा फॉर्म का पोस्ट है, रिक्वेस्ट पोस्ट है, और एक पोस्ट होगा जो हमारा अपना फॉर्म का पोस्ट होगा। ठीक है जी, तो ये भी ध्यान में रखना, टेबल का पोस्ट होगा, मॉडल का पोस्ट होगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सा पोस्ट कहाँ लिखा गया। अगर ये पोस्ट है तो आपको फॉर्म इक्वल पोस्ट फॉर्म का डेटा फॉर्म में डाल देना है। ये जो पोस्ट हमने लिखा ये रिक्वेस्ट पोस्ट लिखा, फिर हमें फॉर्म को वैलिडेट करना है, तो फॉर्म डॉट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो क्लीन डेटा जो हमारा होगा वह आप ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको सेव कर सकते हैं, फॉर्म डॉट सेव, इस तरीके से सेव लिख कर, या फिर आप चाहें तो क्लीन डेटा लेकर सेव कीजिए, वह भी एक सही आइडिया है। तो हम लोग क्लीन डेटा लेकर सेव कर देते हैं, दोनों देख लीजिए आप, पता नहीं मैंने एग्जांपल में दिखाया नहीं। तो टाइटल इक्वल फॉर्म डॉट क्लीन्ड डेटा, और ये डेटा हमारा आएगा कहाँ से, टाइटल वाले फॉर्म फील्ड से। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पर DESC लिखना है, और यहाँ पर हम लोगों को DESC लिख देना है। उसके बाद हमारा पोस्ट मिला, हमें डाल देना है अपना ये इक्वल पोस्ट, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा टाइटल इक्वल टाइटल। ये वाला जो टाइटल हमने लिखा ये हमारा जो डेटा रहा फॉर्म से उसके लिए, और ये जो टाइटल हमने लिखा ये हमारे जो डेटाबेस में पोस्ट टेबल का जो कॉलम नेम है वह हमने लिखा हुआ। इसका DESC=DESC ये मैच मतलब असाइन कर देना है, ये डेटा हमारा सेव हो जाएगा, देन PHT को हमें सेव कर देना है, देन फॉर्म हमारा खाली हो जाए, ब्लैंक हो जाए ऐड होने के बाद, इसलिए हम लोग फॉर्म डॉट ब्लैंक फॉर्म कर देंगे, बट ये नहीं करना चाहिए लेकिन कर देते हैं, ताकि हम लोग फॉर्म इक्वल पोस्ट फॉर्म, ताकि दूसरा हमारा पोस्ट ऐड हो सके। ओके जी, ये सब काम हो गया, अगर पोस्ट आएगा तो इतना काम होगा, और अगर नहीं आता है तो पोस्ट में नहीं आता है तो वह एल्स पार्ट में चलाएगा, और ये सिंपली ब्लैंक फॉर्म, फॉर्म इक्वल पोस्ट फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म रिटर्न कर देगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फॉर्म रिटर्न करवाते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्म, और ये हमारा हो गया फॉर्म, और ये फॉर्म कहाँ जाएगा, ये फॉर्म जाएगा ऐड पोस्ट में, यानी कि यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे अपना पूरा तामझाम और इसको लिखेंगे, तो मैं सिंपली फॉर्म पोस्ट वाला, और यहाँ पर हम लोग CSRF, और यहाँ पर हमें सिंपली मैं कर देता हूँ, ये बाकी सब तो हमारा रहता ही है, बाकी आप एरर वगैरह मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्टली। ये हो गया, अभी हमें एक बटन बनाना है, इनपुट सबमिट बटन, इसका वैल्यू हम लोग दे देंगे ऐड, और इसका क्लास लिखेंगे BTN। एक और बटन बना लेते हैं इसका हम लोग, क्योंकि ये कैंसिल का बटन होना चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा डेंजर, और ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। ओके जी, तो ये हमारा ऐड फॉर्म पोस्ट तैयार है, और इसका व्यू भी हमने लिख दिया, बस हमें चेक करना है कि ये हमारा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चेक करेंगे, इसमें आएंगे क्या, आकर देख ही लेते हैं। तो डैशबोर्ड में क्लिक किया, सर्वर हमारा गड़बड़ हो गया, स्टॉप करते हैं सर्वर, फिर से रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर है क्या। एक एरर है हमारा यहाँ पर बता रहा है, पोस्ट के पास एरर है लाइन नंबर 66 में, देखिए यहाँ पर एक एरर है। तो इफ़ के बाद हमने यहाँ पर कॉलन नहीं लिखा हुआ, अभी सेव करते हैं, और अभी इसको स्टॉप करके फिर से रन कर लेते हैं। चलिए कोई एरर नहीं है अभी, डैशबोर्ड ऐड पोस्ट में क्लिक करेंगे, हमें पोस्ट करने का फॉर्म मिल जाता है, यहाँ से एक ऐड करके देखता हूँ मैं, लर्न रिएक्ट जेस, यू शुड डिस्कशन लिख रहा हूँ, यू शुड लर्न रिएक्ट जेस इंस्टेड
एंगुलर, और हमने इसको ऐड में क्लिक किया तो हमारा ये ऐड हो गया। आप कैंसिल करके यहाँ पर ओके, ये हमारा नो वेलिडेशन हमें लगाना पड़ेगा वरना ये हमें ऐसा तंग करता रहेगा। तो हमें यहाँ पर लगाना है फॉर्म में नो वैलिडेशन, मतलब नो वैलिडेट, और ये सबमिट फॉर्म नहीं होगा बल्कि ये बटन बनाना बटन है हमारा। एक्चुअली ये बटन ना होकर हमें एक टैग इसको बनाना चाहिए ताकि हम लोग इसको बैक कर सकें, वरना यहाँ मतलब क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग URL दे देंगे URL, और ये हमें कहाँ लेकर जाएगा, डैशबोर्ड में, तो डैशबोर्ड। और यहाँ लिख देना आपको क्लास, क्लास आपका हो जाएगा BTN डेंजर, और इसका नाम दे दीजिए आप कैंसिल। ओके, अभी हम लोग नो वैलिड ये हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी हमारा कैंसिल में क्लिक करेंगे, ओके हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई, रिफ्रेश किया कैंसिल में क्लिक करेंगे तो हमें डैशबोर्ड में भेज देगा, और हमने जो अभी ऐड किया वह हमें दिखाई दे रहा है 3 नंबर में यहाँ पर। तो ऐड पोस्ट तो काम कर रहा है बढ़िया तरीके से। अब हमें हमारी बारी है एडिट पोस्ट की, यहाँ क्लिक करो तो डेटा के साथ हमारा एक यहाँ फॉर्म आना चाहिए। तो फॉर्म तो हमारा बना हुआ है पोस्ट फॉर्म, उसी का यूज़ कर लेंगे, बस व्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करता हूँ मैं, पता है कि मैं ये वाला पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट में डाल देता हूँ, और यहाँ पर बस हम लोग अपडेट पोस्ट यहाँ पर कर देंगे और इसका वैल्यू चेंज करके अपडेट कर देंगे। बस इतना ही करना है, ये हमारा काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। बस हमें व्यू का काम करना है यहाँ, अपडेट वाला ये वाला काम। तो मैं ज़रा जल्दी से इसको कर लेता हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई है, करीब 1 बज गया है और मैं थक सा गया हूँ काफ़ी देर से बोल रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी क्विकली लिख लेता हूँ फिर आपको आके समझा दूँगा। तो देखिए मैंने क्या किया, अपडेट एडिट पोस्ट में, अपडेट पोस्ट में रिक्वेस्ट आईडी, जब एडिट में कोई क्लिक करेगा, यहाँ कोई आप डैशबोर्ड में जाइए, यहाँ एडिट बटन में जब कोई क्लिक करेगा तो यहाँ से देखिए 1 में क्लिक किया तो 1, अगर 2 वाले में क्लिक करेगा तो 2, तो ये 2 जो है और अपडेट पोस्ट 2, ये जो URL हमारा बनता है, ये URL हमारा यहाँ पर देखिए अपडेट 2 यहाँ पर मैच करेगा और ये कॉल करेगा अपडेट पोस्ट को, और साथ में जो ID होता है ये ID भी ये यहाँ पास करेगा। तो ID चलाएगा 2 या 1 जो भी क्लिक करेगा वह। फिर हम लोग पहले चेक कर लेंगे कि यूज़र हमारा ऑथेंटिकेटेड है, यानी अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो अपडेट होने का काम होगा, अगर नहीं है तो उसको रेड कर दिया जाएगा कि पहले आप लॉगिन करो तब आप इसमें काम कर सकते हो। मान लेते हैं कि लॉगिन है, यूज़र ऑथेंटिकेटेड है, और रिक्वेस्ट हमारा पोस्ट आएगा क्योंकि जब फॉर्म में सबमिट किया जाएगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा। तो हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे कि ये पोस्ट ऑब्जेक्ट्स गेट में PK और ID दोनों को मैच कर लेंगे, PK इक्वल ID, और वह हमारा PI में चला जाएगा। आईडी में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, ऐसे करके जो कि प्राइमरी की का वैल्यू होता है, वही हम लोग PK मतलब प्राइमरी की का वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो वह हमारा PI में चला जाएगा, जो भी प्राइमरी की मैच करेगा उसका डेटा हमारा PI में रहेगा। देन पोस्ट फॉर्म जो हमारा फॉर्म है उसका रिक्वेस्ट और इंस्टेंस में हम लोग PI डाल देंगे, फिर उससे हमारा रिटर्न होगा फॉर्म ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग वैलिडेट करेंगे और फिर हम लोग उसको सेव कर देंगे डेटा को। अगर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आता है एल्स, तो एल्स में चलाएगा और हमारा सिंपल जो डेटा है सिर्फ वह हमें देखने को मिलेगा। पोस्ट तभी होगा जब सबमिट में क्लिक होगा, अगर सबमिट में क्लिक नहीं होता है तो सिंपली वो डेटा हमें देखने को मिलेगा, अपडेट नहीं होगा, सिर्फ डेटा देखने को मिलेगा, और देन हमारा फॉर्म रेंडर हो जाएगा और ये टेम्पलेट में हमें दिखाई देगा। तो ये हमारा बस इतना सा कोड है, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद डैशबोर्ड में जाइए, एडिट में क्लिक कीजिए, ओके हमारे यहाँ मिला एरर, देखते हैं एरर हमारा क्या कहता है भाई। अभी एरर देखना पड़ेगा, एरर हमारा कह रहा है कि आपने यहाँ पर कोर लिखा, भाई कोर क्यों लिख देता हूँ मैं, मुझे पता नहीं, यहाँ ब्लॉग लिखना है मुझे, ये ब्लॉग के अंदर में। अभी वापस से चलते हैं डैशबोर्ड में, एडिट में क्लिक करेंगे 1 नंबर वाले में तो लर्न जेंगो वाले में और उसका जो डेटा है वह चला आता है। कैंसिल में क्लिक कीजिए बाहर, 2 नंबर वाले में क्लिक करेंगे तो लर्न पाइथन उसका अपना डेटा आता है, यहाँ अपडेट होता है या नहीं चेक करते हैं। लर्न पाइथन ईजी वे और अपडेट में क्लिक किया तो मेरा ये अपडेट हो गया। अभी देखिए लर्न पाइथन ईजी वे यहाँ आपको दिखाई देगा, और आप होम में जाएंगे तो यहाँ भी ये अपडेट होकर आपको देखने को मिलेगा।
तो ये तो बढ़िया काम कर रहा है। अपडेट का काम बिल्कुल सही है। अभी हमें डिलीट का काम करना है। डिलीट का काम बेहद ही ईजी है। देखिए यहाँ पर हमारा कोड है और ये भी मैंने क्विकली लिख दिया। तो डिलीट पोस्ट, ये इसमें भी आईडी आएगा, यूआरएल हमने आपको दिखाया था कि डिलीट आईडी में, तो यहाँ पर पास होगा आईडी, आईडी पास हो रहा है, ऑथेंटिकेशन चेक कर लेना है। पोस्ट आएगा, पोस्ट क्यों आएगा, क्योंकि हमने फॉर्म में उसको रखा हुआ है। अगर आप डैशबोर्ड में जाकर देखेंगे तो डिलीट का जो काम है वो हमने फॉर्म में बनाया। तो फॉर्म डिलीट बटन में जब क्लिक होगा तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा। ये सेफेस्ट तरीका है डेटा को डिलीट करने का। तो पोस्ट में आ रहा है, फिर पीके डेटा देख लेंगे और उस डेटा को हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे। ओके जी, ये सब हमने पढ़ा हुआ है पहले, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पोस्ट यहाँ पर हमारा मॉडल है और ये ऑब्जेक्ट्स गेट कर रहा है पीके मैच करके कि कौन सा आईडी आता है, वन वाला आता है। तो वन का पूरा डेटा आ रहेगा पीआई के पास और इसको डिलीट कर देना है और डैशबोर्ड में रिटर्न कर देना है। और ऑथेंटिकेटेड यूज़र नहीं है और एक्सेस करेगा इसको तो वह लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो ये हमारा डिलीट का काम है। चलिए इसको एग्जांपल करके देख लेते हैं। डैशबोर्ड 3 नंबर वाले को डिलीट करता हूँ। यहाँ डिलीट बटन दिया हुआ है, डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो 3 नंबर हमारा डिलीट। होम में जाकर देखेंगे तो 3 नंबर हमारा डिलीट और डैशबोर्ड में यहाँ भी हमारा 3 नंबर डिलीट। ये काम हो गया, ऐड करने का काम हो गया, एडिट यानी कि अपडेट का काम हो गया और डिलीट का काम भी हो गया। अब बारी आती है परमिशन की, यानी कि ये ऑथर जो है, अच्छा मैं पहले यहाँ ये बना लेता हूँ इसका प्रोफाइल, उसके बाद ऑथर की बात करेंगे। तो हमें डैशबोर्ड में आना है और हमें थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। इसको मैं कर देता हूँ लॉग आउट, लॉगआउट नहीं किया था हमने, इसको भी कर देता हूँ लॉग आउट। और हमारा प्रोफाइल हमें दिखना चाहिए। तो हमें अपडेट में कोई काम नहीं है, कट कर दिया। ऐड में कोई काम नहीं, कट कर दिया। फॉर्म में कोई काम नहीं, कट कर दिया। मॉडल में कोई काम नहीं, कट कर दिया। यूआरएल में कोई काम नहीं, कट कर दिया। यहाँ हमें डैशबोर्ड में काम है। डैशबोर्ड में काम करने से पहले एक और काम हमारा बाकी रह गया है, जो कि यूज़र को एक ग्रुप में असाइन करना। जब कोई यूज़र साइन अप करता है तभी हम लोग उसको एक ग्रुप में असाइन कर देंगे। मतलब एक ग्रुप पहले एडमिन बना के रखता है, एडमिन में लॉगिन करते हैं, ग्रुप्स में जाना है और यहाँ पर एक ग्रुप ऐड करना है और इस ग्रुप का नाम रखेंगे हम लोग ऑथर। और इस ग्रुप को हम लोग परमिशन देंगे कि ये ब्लॉग को ऐड कर सकता है और हमारा ब्लॉग चेंज कर सकता है, यानी कि एडिट कर सकता है और ब्लॉग को व्यू कर सकता है, बट डिलीट नहीं कर सकता। ये हमने इसको परमिशन दिया और हमने इसको कर दिया सेव। तो ये हमारा ऑथर है, ये इसका परमिशन है। ओके जी, तो ये हमने एक ग्रुप बना दिया ऑथर का। एक और ग्रुप बना देते हैं हम लोग एडमिन का, और एडमिन के पास सारे के सारे परमिशन ऑलरेडी हैं। तो बस इसका हमें सिर्फ सेव करके और छोड़ देना है। तो ये दो ग्रुप मैंने बना लिया। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब यूज़र साइन अप करता है तभी ये इन दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप में असाइन हो। किसी एक ग्रुप में क्या, ऑथर में असाइन हो। एडमिन तो हम लोग बनाएंगे नहीं किसी को, वो तो अकेला रहेगा, तो ऑथर में असाइन हो। तो ये कैसे होगा भाई, तो इसको लॉग आउट कर देता हूँ पहले। इसको हम लोग क्लोज़ करते हैं और हमें आना है यूज़र साइन अप में। यहाँ पर पोस्ट, ये भी हमने आपको दिखाया है बहुत पहले सेपरेटली, बट यहाँ पर देख लीजिए सेव के नीचे आपको क्या करना है, इसको ग्रुप में डालना है। उसके लिए हम लोग लिखेंगे ग्रुप इक्वल ग्रुप डॉट, ये ग्रुप हमने इम्पोर्ट नहीं किया है, किया है क्या, नहीं किया है। तो ये ग्रुप हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ये हमें मिलेगा ऑथ के मॉडल में, यहाँ कहीं मॉडल नहीं लिखा हुआ। तो फ्रॉम जेंगो, ये भी बिल्ट इन है, कॉन्ट्रीब ऑथ मॉडल्स इम्पोर्ट ग्रुप। ओके, हमने ये ग्रुप इंपोर्ट कर लिया। अभी आते हैं यहाँ पर, तो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर हम लोग इसको ग्रुप में डाल रहे हैं। तो गेट गेट नेम इक्वल ऑथर, तो पहले हमें ऑथर मिल जाए और इज एग्जिस्ट भी आप कह सकते थे, बट इतना ही रखते हैं, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो पहले गेट कर लिया हमने कि हमारा ये ऑथर नाम का ग्रुप है नहीं है, है क्योंकि हमने बनाया हुआ है। या करो यूज़र को, जो भी यूज़र हमारा है, यूज़र को हमें डाल देना है किसमें, ग्रुप्स डॉट ऐड और ग्रुप में। ओके, हमारा यूज़र हमें अभी पता नहीं चल रहा, यूज़र हमारा यहाँ पर सेव होगा यूज़र। तो जो भी होगा सेव वह हमारा यूज़र बनेगा। तो इस यूज़र ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हमने ये ग्रुप्स डॉट ऐड, ये हमारा प्री डिफाइंड है, उसका यूज़ किया। और ग्रुप नेम, ग्रुप हमारा यहाँ पर ग्रुप में है, तो उसमें हमने इसको
ऐड कर दिया, यानी कि इस ग्रुप में इस यूज़र को हमने ऐड कर दिया। ये हमने देखा हुआ भाई मेरे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये फंक्शन है एक जो कि आपको PPT में मिल जाएगा, अगर आपने पढ़ा है मेरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम का पूरा वीडियो, तो इससे हमारा ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी कि जो भी यूज़र हमारा साइनअप करेगा वह यूज़र ऑथर ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। अब ऑथर ग्रुप में जो भी परमिशन है वो सारा परमिशन इस यूज़र को मिलेगा। अब उसी परमिशन के अकॉर्डिंग वेरीफाई करते हुए हमें उसको राइट्स देना है अपने डैशबोर्ड में। तो इस जो भी यूज़र साइनअप करेगा उस यूज़र के पास परमिशन है पोस्ट को ऐड करने का, व्यू करने का और एडिट करने का, डिलीट करने का नहीं। तो हमें डिलीट करने का जो ऑप्शन है उससे छीनना पड़ेगा वेरीफाई करते हुए। बट एडमिन लॉगिन करेगा तो उसके पास डिलीट का ऑप्शन होना चाहिए, वो सारा ऑप्शन उसके पास मौजूद रहेगा। तो ये हमने कर दिया। अभी हम लोग डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है डिलीट वाले के लिए। तो फॉर्म यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि इफ़ परमिशन मिला हुआ है तो परम ब्लॉग हमारे एप्लीकेशन का नाम डॉट डिलीट अंडरस्कोर पोस्ट। तो ये लिखने का तरीका है, इसका भी हमने एग्जाम रूल पढ़ा हुआ है कि आपको लिखना है PERMS एप्लीकेशन का नाम, हमारे केस में ब्लॉग है तो ब्लॉग लिखा, डॉट देकर डिलीट ही हमारा एक्शन होता है। ये एक्शन हो सकता है आपका डिलीट, व्यू, चेंज और ऐड। देन यहाँ पोस्ट जो मॉडल का नाम होता है वह आप लिखते हैं स्मॉल लेटर में। तो वह हमने लिखा कि अगर ये परमिशन है इसके पास तो ही इसको, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और इसको डिलीट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको एंड इफ कर देंगे, फॉर्म के बाहर में एंड इफ कर देना। तो जिसके पास ये परमिशन होगा उसको ये डिलीट दिखाई देगा, एग्जीक्यूट होगा, जिसके पास नहीं होगा उसको ये दिखाई नहीं देगा। सिंपल सा बात है इसमें। ओके, तो हमारे यूज़र अभी जो रजिस्टर होगा उसके पास ये परमिशन नहीं होगा, बिकॉज वो ऐड होगा ग्रुप ऑथर में और ऑथर ग्रुप को हमने ये परमिशन नहीं दिया डिलीट करने का। इस वजह से इसको वेरीफाई करके पता चल जाएगा कि इसके पास डिलीट का परमिशन नहीं है, इसको ये बटन नहीं दिखाना। तो क्या करेंगे जी हम लोग, पहले हम लोग इसको सबको सेव कर लेते हैं और एडमिन में लॉगिन करते हैं। एडमिन लॉगिन किया, यूज़र में जाना है। अभी इसमें से कोई भी यूज़र हमारा ऑथर में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये जो यूज़र है इसको डिलीट कर देंगे और सोना को भी डिलीट कर देंगे। तो मैंने दोनों को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया, क्योंकि मुझे फिर से रजिस्टर करना है और मुझे नाम एक ही पता है सोनम, इसीलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने सेव किया, रिफ्रेश किया, हम लोग साइनअप में आते हैं। अब हम लोग रजिस्टर करेंगे फिर से, तो सोना और सोनम कुमारी और सोना 8geek.com और यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे गिक्की सोज और हमें सिंपली करना है सबमिट में क्लिक। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बिकम एन ऑथर। और ये एक एक्स्ट्रा करली कहाँ से आ रहा है, ये आपको ढूंढ कर निकालना और इसको हटाना है कोड में से, तो ये आपका काम है जी। ओके, ये मुझे मिला नहीं, आप देख लीजिएगा इसको, या फिर मिल जाएगा तो मैं इसको हटा दूंगा। तो हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर हो चुका है और ये यूज़र हमारा ऑथर ग्रुप में ज्वाइन हो जाना चाहिए। वेरीफाई करेंगे कैसे, एडमिन में लॉगिन करते हैं, यूज़र में जाइए और सोना में जाइए। देखिए हमारा ये जो सोना है वो पहले से ज्वाइन करके रखी हुई है ऑथर, और ऑथर को जो आपने परमिशन दिया हुआ है, जो अपने इसको प्रिविलेजेस सेट की हुई हैं ऐड करने का, चेंज करने का, व्यू करने का, इसके अकॉर्डिंग ये वेरीफाई करेगा और लॉगिन करने पर उसको परमिशन देगा। ओके जी, अभी हमारा एडमिन लॉगिन है तो हमें एडिट और डिलीट दोनों मिल रहा है। इसको लॉग आउट करते हैं, इसको हटा दें, इसको भी लॉग आउट करते हैं। लॉगिन में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सोना और गीकी सोस और लॉगिन में क्लिक किया। देखिए हमें यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन अब नहीं मिल रहा है, लेकिन यही अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो उसको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, फिर लॉगिन किया, एडमिन लॉगिन किया,
तो एडमिन को डिलीट का ऑप्शन मिलेगा बिकॉज वो एडमिन है, वो तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वही अगर सोना फिर से लॉगिन करेगी, सोना एक ही सोच, तो ये तो एडमिन है नहीं, ये तो ऑथर है मामूली से, तो इसको डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो बटन ही हमने गायब कर दिया हुआ है। तो ये है तरीका, अगर सोना अगर लॉगिन करके यहाँ से डिलीट, इस तरीके से डिलीट स्लैश वन, मतलब सोना ज़्यादा होशियार है ये URL में इस तरह हिट करके और डिलीट करने की कोशिश कर रही है, तो वह इस तरीके से लिखती है और हिट करती है, तो उसको इस तरीके से भयंकर एरर मिल जाएगा। इसको आप और बेहतर बना सकते हैं, आप एक प्रॉपर एरर दीजिए कि यू आर नॉट ऑथराइज टू डू दिस, इस तरीके का कोई आप एरर दे सकते हैं, बट उतना हमें करने की अभी आवश्यकता नहीं है। एक मिनी ब्लॉग है ये हमारा, तो हमारा इतना काम हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमें प्रोफाइल दिखाना है, लास्ट चीज़ हमारा यही बचा हुआ है। तो उसके लिए डैशबोर्ड में आते हैं, व्यू में आना है और व्यू से हमें जाना है डैशबोर्ड में। तो पहले मैं कर लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, इसमें जो भी है वह यूज़र में असाइन कर लेता हूँ ताकि बार बार इतना लंबा लिखना ना पड़े। तो ये हमने असाइन कर लिया। इसके बाद हमें फुल नेम चाहिए, तो फुल नेम के लिए हमारे पास एक मेथड है जो मैंने आपको पढ़ाया है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं दिखाया था, प्रैक्टिकली आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि है यूज़र का गेट फुल नेम। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हम लोग लिखते हैं उसको कंबाइन करके एक स्पेस डाल के ये गेट फुल नेम हमें रिटर्न करेगा, जो कि हम लोग स्टोर कर लेंगे कहाँ पर, फुल नेम इस वेरिएबल में। देन इस वेरिएबल को हम लोग पास कर देंगे इस डैशबोर्ड टेम्पलेट के पास। तो यहाँ पर लिखिए आप फुल नेम और इसके पास है फुल नेम। तो फुल नेम तो आ गया, फुल नेम आने के बाद हमें ऑथर भी चाहिए, मतलब ऑथर मतलब कौन से ग्रुप का बंदा है वो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप चूँकि बहुत सारा हो सकता है, एक बंदा का बहुत सारा ग्रुप हो सकता है, तो इसीलिए हमें इसमें ऑल पहले गेट करना पड़ेगा। तो GPS मतलब ग्रुप्स, यूज़र और ग्रुप्स डॉट ऑल, इसके पास ऑल है GPS के पास, और ये GPS हम लोग पास कर देंगे। तो यहाँ लिख देना है ग्रुप्स और इसके पास होगा GPS। तो ये दो चीज़, फुल नेम और जी ग्रुप्स जा रहा है कहाँ पर, डैशबोर्ड के पास, और यहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है। इसका हमें यूज़ कहाँ करना है, अगर आप बेस डॉट HTML अगर आपको याद होगा तो हमने एक साइड ये क्रिएट करके ब्लॉक रखा होता है, इसी ब्लॉक में हम लोग इसको बनाएंगे। मैसेज के नीचे और कंटेंट के ऊपर ये साइड वाला जो था ब्लॉक, हमने इसमें ज़्यादा जल्दी जल्दी कोड लिख दिया। इसमें क्या लिखा हुआ, डिव बनाया एक मैंने जिसमें टेक्स्ट सेंटर है, सिंपल सा H4 बनाकर प्रोफाइल लिखा। यहाँ पर F नेम नहीं, हमारा जो आ रहा हुआ है फुल नेम, फुल नेम हमारा यहाँ से आ रहा है, देखिए ये फुल नेम की है, तो ये हमारा वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पर। फिर ग्रुप्स आ रहा है यहाँ पर, ग्रुप्स जिसमें बहुत सारा हो सकता है, उसमें हम फोर लूप लगाएंगे, ग्रुप्स में से ग्रुप निकालो और ग्रुप का नेम सिर्फ प्रिंट कर देना है, और फोर लूप बंद और साइड हमारा बंद, बस इतना करना है। पेस्ट की सेव कीजिए, इसको सेव करने के बाद डैशबोर्ड में क्लिक कीजिए, देखिए हमारा प्रोफाइल सोनम कुमारी ऑथर ग्रुप और डैशबोर्ड पेज आपको दिखाई दे रहा है। तो बाकी सब कुछ सही सही काम कर रहा है, आप ऐड पोस्ट में जाकर ऐड कर सकते हैं, एडिट पोस्ट में जाकर एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, इसे डिलीट नहीं कर सकती सोनम बेचारी। अभी लॉग आउट करेगी तो लॉग आउट हो जाएगा, लॉगिन करेगी एडमिन से, एडमिन का नाम चूँकि है नहीं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो आपको एडमिन का नाम दिखेगा नहीं, और ऐड पोस्ट इसका भी काम करेगा सही तरीके से, एडिट पोस्ट इसका भी काम करेगा सही तरीके से, और ये डिलीट भी कर सकता है, ये बंदा किंग है। कुछ चीज़ें और इसमें ठीक कर देता हूँ मैं, एडमिन में लॉगिन करते हैं और हम लोग चलते हैं यूज़र में, एडमिन में यहाँ नाम दे देते हैं एडमिन का, राहुल कुमार, और इसको ज्वाइन करवा देते हैं एडमिन, ताकि हमें इसका जो ग्रुप है वह हमें दिखाई दे। बाकी कुछ भी नहीं करना है, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, वापस से लॉगिन करते हैं एडमिन से, एडमिन लॉगिन किया, देखिए राहुल कुमार एडमिन का नाम है और ये एडमिन ग्रुप से है, अब ये लग रहा है सही। ओके जी, तो ये हो गया हमारा काम। अगर हम लोग इसे सोना को भी अगर आप देखेंगे, सोना विक्की सोस,
और लॉगिन किया। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे इसका डिलीट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई डिलीट का ऑप्शन? डिलीट का ऑप्शन इसीलिए नहीं है बिकॉज एडमिन में लॉगिन करना पड़ेगा मुझे फिर से, बिकॉज हमने इस ये जो ग्रुप ज्वाइन किया ऑथर, इसको हमने डिलीट का परमिशन नहीं दिया हुआ, और ये यहाँ चेक किया जा रहा है मैनुअली। यहाँ पर इधर गया, यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि अगर इसको डिलीट का परमिशन है, जो बंदा लॉगिन है अभी उसको अगर डिलीट का परमिशन है तो ही ये कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो सोना जब लॉगिन करती है ये चेक किया जाता है, तो उसके पास डिलीट का परमिशन नहीं है। परमिशन हमने यहाँ से सेट कर दिया हुआ है, डिलीट का परमिशन उसके पास नहीं है, ये ट्रू नहीं होता है, ये उस कोड चलता नहीं, इसको डिलीट का बटन मिलता नहीं। अगर हम लोग इसको यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दे देंगे तो फिर उसको वो बटन दिखने लगेगा। ओके जी, तो ये है कहानी। कर देता हूँ लॉग आउट, इसको भी कर देता हूँ, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये मिनी ब्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब आपका क्या काम है वह मैं बताता हूँ। आपका काम है कुछ मैसेजेस प्रिंट करना। क्या मैसेजेस प्रिंट करना भाई, दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया, जब साइन अप करता है तो ये यहाँ दिखता है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बिकम एन ऑथर, ये तो ठीक है, यहाँ मैसेज हमें दिख जाता है। जब लॉगिन में क्लिक करता है और ये लॉगिन करता है सोना विकी सोस लॉगिन, यहाँ भी इसको मैसेज दिखता है लॉग्ड सक्सेसफुली, बाकी सब कुछ ठीक है। ऐड पोस्ट में कोई क्लिक करे और यहाँ पर कोई पोस्ट करता है लर्न एंगुलर, और हमने लिख दिया दिस इज, और हमने ऐड में क्लिक किया, तो हमें कहीं कोई मैसेज मिला कि हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया पोस्ट, कहीं कुछ मैसेज नहीं मिल रहा। तो ये मैसेज आपको यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाना है आपको? आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है ऐड पोस्ट वाले व्यू फंक्शन में जाकर। ओके जी, तो ऐड पोस्ट वाले व्यू फंक्शन में यहाँ पर आना है ऐड पोस्ट में, और यहाँ आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें कुछ कोड लिखना पड़ेगा, कुछ कोड हटाना पड़ेगा, और आपको मैसेज एक डिस्प्ले करवाना है यहाँ पर। देखिए कर पाते हैं या नहीं। ओके, तो एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ये एक काम रह गया। उसी तरीके से एडिट जब करेगा तो एडिट सक्सेसफुली हो जाता है, उसका मैसेज उसको दिखना चाहिए। तो ये दो काम आपको करना है, ये दो काम मैंने आपको बताया, आपको ये करना है। आप और इसको बेहतर बनाना चाहते हैं और सिक्योर बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना बेहतर ये बनेगा। फिलहाल के लिए मुझसे इतना हो पाया, तो मैंने इतना करके आपको दिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिनी ब्लॉग अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।